तमादिदेवं पुरुषो पुराणं तमालवर्णं स्वेताबतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवतो स्वरूपं। सिसिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए जे गौरी मठ का भोज भंडारा, गौरी मठ का बड़ा बड़ा उत्सव, गौरी मठ का सुंदर व्यवस्था, सब ये सब का पीछे है एक रहस्य है। गौड़िया मठ का ऐसा भोज भंडारा, बहुत सारे, इतना बड़ा बिल्डिंग मंदिर, इतना रणक, इतना व्यवस्था, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो प्रभुपाद कहते हैं, इसका पीछे एक रहस्य है। क्या रहस्य है? बोले तमाम दुनिया का जितना बद्ध जीव है, ये सब समाज संसार के जितना सारे जीव है, इनको पकड़ के लाए और प्रसाद आदि ये सब व्यवस्था दिखाकर उसको थोड़ा जमा दे हरि कथा कीर्तन में। इसके बाद थोड़ा कथा कान में जाए तो धीरे धीरे इसका मंगल होते चलेगा। ऐसा ही है। एक दफे परमहंस बाबा श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, इन्होंने नवद्वीप धाम जितना जैसे वर्तमान जो नवद्वीप शहर बोलते हैं, नवद्वीप, तो वहाँ जाके महाराज पूरा भंडारा कर दिया निमंत्रण। बोले सारे भंडारा है जोगपीठ मंदिर में, बहुत सारे भंडारा बड़ा, उस दिन जाना सब। बोले सब कोई को निमंत्रण कर दिया, निमंत्रण करके आ गया। उसके बाद उस दिन जिस दिन घोषित कर दिया, उस दिन आके तमाम लोग आए। वो लोग सोचे कि भंडारा का मतलब तो खाना, और बोले भंडारा का व्यवस्था है लेकिन हरिकथा तो हो रहा है, बड़ा बड़ा महात्मा लोग हरिकथा बोल रहे हैं, कि तू रसोई फुसी का कोई तो व्यवस्था दिखता नहीं, कहाँ होगा अंदर, बाहर कोई अंदर कुछ जगह होगा। ऐसा करे दोपहर 3 बजे तक बड़ा भारी हरिकथा कीर्तन का अनुष्ठान हुआ। उसके बाद जब लोग बोले महाराज भंडारा कहाँ है, भंडारा बोले भंडारा तो हरिकथा का भंडारा लियो, बोले सब बताशा और पानी देना शुरू कर दिया गौर किशोर बाबा जी महाराज। लोग सुनेगा नहीं ना, खाने पे निकली आएगा। ऐसे घुमा फिरा कर गौरी मठ का उद्देश्य है किसी भी हालत चालाकी करके उसका कानों में हरिकथा कीर्तन व्यवस्था कर दे। इसीलिए सब सुंदर मंदिर, सुंदर व्यवस्था, कचौड़ी पूड़ी, कितना सारे प्रसाद का व्यवस्था, इसका पीछे यही कारण है और कुछ। ऐसे गौड़ी मठ का जो वास्तव साधु है उससे निष्किंचन, उससे बढ़ के निष्किंचन कोई नहीं हो सकता। इसको से जुक्तो वैराग्य है, गुप्तो वैराग्य, जुक्तो वैराग्य सारे तमाम हृदय में है। जो हम ठाकुर जी का सेवा के लिए जो करना वही करेगा और बाकी नहीं करेगा, और जितना भी उसको लोभ देखा हो कुछ नहीं होने वाला। अभी जो प्रसंग हो, आज सुबह चर्चा हो रहा था राजा चित्रकेतु का प्रसंग आएगा अभी, क्योंकि ये जो वित्तासुर जी, वित्तासुर देखने में बाहर में बड़ा असुर है, लेकिन पहले हम चर्चा कर चुके, जिसका साधु संग है, जिसका साधु संग हुआ, सद्गुरु प्राप्ति हुआ, भजन हुआ, सब कुछ हुआ, अगर अचानक किसी कारण उसका जिंदगी में सांप आ गया, तो सांप के कारण उसका अंतकरण का जो वृत्ति है, अंतकरण का वृत्ति है, वो अंतकरण का जो विषय है, वित्ती जो है वो विघ्नित नहीं होता। जैसे वित्तासुर का बारे में देखो, वित्तासुर बड़ा भजन किया,
ये दोनों जो है शंकर भगवान और चित्रकेतु राजा दोनों ही गुरु भाई है। चित्रकेतु राजा शंकर भगवान दोनों गुरु भाई, सारे अनंत देव उनका गुरु है। अनंत देव से अब ये जो है अभी जो सांप लग गया इसका पीछे भी कारण है ठाकुर जी का ये लीला, या तो सांप लगने का कोई विषय नहीं है, और सांप लग गए वो असुर बन के पैदा हुआ। लेकिन असुर होने से भी इसका अंदर में भक्ति का, भक्ति आत्मा का वृत्ति पहले भी बताया, शरीर का वृत्ति नहीं है। भक्ति आत्मा का वृत्ति, भक्ति कोई शरीर जड़ मन इसका कोई वृत्ति नहीं, आत्मा का वृत्ति। आत्मा का अंदर में जो छुपा हुआ भक्ति है वृत्तासुर जी का अंदर में वो है, और बाहर में सांप के द्वारा असुर मूर्ति धारण किए। और इंद्र महाराज का साथ अभी युद्ध चल रहा है, सुबह में बताया था कैसा कैसा कारण है, इंद्र महाराज जी का साथ बड़ा युद्ध हो रहा था। युद्ध होते होते जो सब सिद्धांतों जो सब उपदेश ये असुर का जवान से निकल रहा था, इसमें इंद्र महाराज बड़ा आश्चर्य हो गया, चकित हो गया, ये कैसे संभव है, ये तो असुर है, असुर का जवान से इतना बड़ा बड़ा भागवत तत्व, इतना बड़ा बड़ा उपदेश जो है भागवत तत्व विज्ञान निकल रहा है, कैसे संभव है, ऐसा कैसे संभव है। इसके बाद वित्तासुर जी कई उपदेश दिए, इसका बारे में हम पहले चर्चा किया। और वित्तासुर जी का अंतिम प्रार्थना है ठाकुर जी का चरण है, जे ममो उत्तम श्लोकेश ममो उत्तम श्लोक जनीश सक्षम संसार चक्र भमतः सकर्म भी तन्मयाया आत्मा आत्मो आत्मजो दार गृहेशु आशक्त आशक्त गृहेशु आशक्त चित्त सनौनाथ भूयात। हमारा ये घर गृहस्थी में संसार, पिता माता भाई बंधु स्त्री पुत्र, इसमें हमारा दिल फंस ना जाए ठाकुर जी, ऐसा व्यवस्था करो। जो भी जन्म मिले उसमें मेरा आपका जो स्मृति है ये बने रहे, आपका जो भक्त लोग है ये लोग का सनम संग हो जाए, मेरा कर्म फल के द्वारा जो भी जन्म मिले जो नहीं मिले उसमें कोई असुविधा नहीं, आप कृपा करो, ऐसा करके सुंदर उपदेश दिए। और इंद्र महाराज जी का कहना है कि इतना सुंदर सुंदर उपदेश सुनते इंद्र महाराज घबरा गया, आश्चर्य हो गया, अहो दानवो सिद्ध योसी यशोते मोती रिद्रशी, आपका ऐसा मोती कैसे हुआ, हे दानव आप सिद्ध हो, और भक्त सर्वात्मनात्मनम सुहृदम जगदीश्वरम, आपने भगवान का जो माया है, माया भगवती माया दुरत्वया मम माया दुरत्वया, बल आपने वैष्णवी माया को जय कर लिया। इंद्र बोल रहे हैं हे दानव भवानो अतार्षित मायम वै वैष्णवीं जनमोहिनीम, पूरा जगत को मोह में डालने वाला पूरा ये जो अपार माया वैष्णवी माया जनमोहिनी, इसको आप जय कर लिया कैसे, हाय हाय भवान अतर्षित मायाम बोई बोई माने निश्चित मेव वैष्णवीम जनमोहिनी मायाम अतर्षित मायाम बोई वैष्णवीम जनमोहिनी, यद विहाय सूरम यद विहाय सूरम भावम यद विहाय सूरम भावम महापुरुषोत्तम गत, आप तो महापुरुष है
असुर को बोल रहे इंद्र अवाक हो गए, तो आप तो महापुरुष लगता है, इतना बड़ा बड़ा सुंदर उपदेश आया। हाय भगवान, खलु इदम महाश्चर्यम, खलु इदम महदाश्चर्यम, यद रजह प्रकृति स्तव वासुदेव भगवती स्वत्वात्मनि द्विरामती। आपका तो बाहरी दृष्टि में रजोतमो भाव है, ये असुर भाव, इसका अंदर में वासुदेव इतना निर्मल भक्ति कैसे संभव है? क्योंकि वासुदेव तो त्रिगुण के द्वारा वासुदेव अर्चित नहीं होते, त्रिगुण के बाहर जो तत्व प्रकृति के परे हैं, जो तत्व प्रकृति के परे हैं, इसके जो भजन का पद्धति है ठाकुर जी का, जो अपराकी जगत वासुदेव, और वासुदेव का भजन आपका इसी स्थिति में कैसे हम दिखाई पड़ता आपका अंदर में भक्ति, धीरामती एकदम सुदीरो विश्वास आपका ठाकुर जी का पुत्री भक्ति कैसे हुआ? यस्सो भक्तिर भगवती हरौ निःश्रेयसे ईश्वरे विक्रीतो अमृताम बदौ किं क्षुद्रई खादो खादो कोदो खादो कोदो कई। मुक्तिर अधिष्ठात्री देवता एकमात्र विष्णु, विष्णु छोड़ के कोई मुक्ति दे नहीं सकता, विष्णु छोड़ के मुक्तिदाता विष्णु रेव न संशय, मुक्ति कोई दे नहीं सकता, मुक्ति एकमात्र विष्णु छोड़ के, विष्णु छोड़ के कोई ब्रह्मा शंकर मुक्ति मुक्ति देने वाला ठाकुर जी। हाँ ऐसा करे मुक्ति का मार्ग में थोड़ा चला दे, ऐसा आशीर्वाद दे दा मुक्ति का रास्ते में जा तरा, लेकिन मुक्ति मुक्ति देने वाला एकमात्र विष्णु छोड़कर और कुछ नहीं, और कोई नहीं है। भले मुक्ति अधिष्ठाती देवता जो हरि, इसमें तुम्हारा भक्ति कैसे हुआ? बाहरी दृष्टि में तुम्हारा रजोगुण तमोगुण दिखाई पड़ता है। आहा अमृत समुद्र में विहार परंग से ये जो तुम्हारा क्षुद्र तुम्हारा जो हृदय है अमृत सागर में विचरण करते हैं, और ये अमृत सागर में विचरण करने वाले को कभी क्षुद्र जलाशय दुर्गम दूषित जलाशय जैसा क्षुद्र स्वर्गादि विषय, इसमें तो आपका कोई मतलब ही नहीं है। जो भगवत चरण में रमन करने वाले अमृत समुन्दर में, वो कोई खादोदक खुद्रा क्षुद्र जलाशय दूषित जलाशय, इसमें तो उसका मन नहीं टिकेगा। तो स्वर्गादि विषय आपका तो कुछ आपका तो भावना है ही नहीं। जस्सो भक्तिर भगवती हरौ हरि परम, इसमें जिसका भक्ति हो गया निःश्रेय, वो तो श्रेय और पेय दो भाव है, बोले निःश्रेय से ईश्वरे, निःश्रेय देने वाला तो ईश्वर एकमात्र हरि है। आ ये जितना सारे क्षुद्र बुद्धि वाले आदमी जितना है, वो तो स्वर्ग आदि छोटा छोटा विषय लेके व्यस्त हो रहे थे, लेकिन वित्तासुर पहले ही कह दिए ठाकुर जी को, प्रार्थना किए ठाकुर जी हमको कुछ दरकार नहीं, न नाकुपिष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा समंजसहत्वा विरह जुकंखे। तुम्हारा विरह जो है तुम्हारा विरह यंत्रणा, तुमसे मैं बिखरे हुए हूँ, ये विषय मेरा हृदय में आए हर वक्त, यही सबसे बड़ा चिन्ह। बड़ा भारी युद्ध हुआ, उसमें इतना युद्ध है, इसके द्वारा वृत्तासुर का एक हाथ काट दिया, एक हाथ काटने के बाद एक हाथ से लड़ाई कर रहा है वृत्तासुर, एक हाथ से लड़ाई करने का बाद इसका बाद दूसरा हाथ भी काट दिया वृत्तासुर, ऐसे ऐसे जा रहा, दो हाथ नहीं है। अब लड़ाई करते करते इंद्र महाराज का हाथ से अस्त्र गिर गया, इंद्र लज्जित हो गए। वृत्तासुर बोले नौ विषाद कालो, ये विषाद काल नहीं है, शर्म की बात नहीं, उठाओ मेरे को मारो मारो।
ऐसा करके वित्रासुर उपदेश दे रहे। इस अवस्था देखकर इंद्र महाराज बड़ा घबरा गया, आश्चर्य हो गया। इसके बाद वित्रासुर का अंतिम में जो वज्र है, मतलब वज्र मारो, दूसरे जो अस्त्र आप प्रयोग किया वज्रो इसी का माफिक बेकार नहीं जाएगा, मारो, वज्र मारा है अंतिम। वज्र मारते ही वित्रासुर का गला जो है वज्र काटते 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 गिर गया। बहुत बहुत समय लगा वित्रासुर का वो जो गले काटते हुए काट के गिरने से बहुत समय लगा। अभी वित्रासुर बनने के बाद अब जो ब्रह्म हत्या का पाप फिर इंद्र का पीछे दौड़ रहा है। पहले तो एक ब्रह्म हत्या का पाप किया था विश्वरूप का वध किया, उसका पाप लगा, उससे थोड़ा बहुत छुटकारा मिला। अभी जो ब्रह्म पाप क्या करे, ये अभी इंद्र दौड़ रहा है कहां जाए, सब पीछे पीछे ब्रह्म हत्या का पाप जो है दौड़ रहा है उसको स्पर्श करे। इंद्र घबरा के कहां जाए हम, हाय ठाकुर। इंद्र बोले हम आप कहां जाए, हाय भगवान, स्त्री भू द्रुमो जलई रेनो विश्वरूप भदोद्भवम, विश्वरूप भदोद्भवम, विश्वरूप का भदोद्भवम, विश्वरूप का जो वध हुआ था उसमें जो ब्रह्मोत्तर का पाप आया था, इसमें स्त्री भू पृथ्वी द्रुम विकलता जल अथवा पानी ये सब ले लिए। आप ये जो ब्रह्मोत्तर कहाँ जाए, बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा ब्रह्म, ये जो इंद्र महाराज है भागते भागते उसका पीछे ब्रह्मोत्तर का पाप कुछ से देखने में उसका पाप भाग रहा है। इंद्र महाराज भागते भागते कहाँ जाए, अंतिम में मानस सरोवर में पद्म मीनाल में लक्ष्मी जी का बस्ती पद्म मीनाल में वहां जाके छुप गया पानी का अंदर। बहुत दिन हो गया बड़ा, इस समय क्या हुआ, सब ऋषि मुनियों ने बोला महाराज आप आ जाओ, हम लोग जाग जोगो कराएंगे करके आपको मुक्ति दिलाएंगे। बोले जाग जोगो कराओगे कैसे, हमारा तो ऐसा हालत है, हय मेधेन पुरुषम परमात्मनम ईश्वरम इष्टा नारायणम देवम मोक्षशे ओपी जगत बधात, पूरा जगत को बध कर दो फिर भी अश्वमेध यज्ञ अगर ठीक से हो जाए ठाकुर प्रसन्न हो जाए इससे आपका छुटकारा हो जाएगा, ऐसे समझाया ऋषि लोग ने। ये तो कुछ बात नहीं, आ जाओ जल्दी, ऐसा करके समझाया। लेकिन वो बहुत डर गया, बोले कैसे हो सकता है ऐसे, ब्रह्मा पितृहा गोगनो मातृहास चाचार्यो हाँ अगवान स्वाद स्वाद पुक्कशोपी शुद्धे रणो जस्सो कीर्तनात्, जिसका कीर्तन के द्वारा इंद्र हे इंदो, जिसका नाम कीर्तन के द्वारा ब्रह्म हत्या पित्य हत्या मात्य हत्या गो हत्या गुरु हत्याकारी किंबा कुकुर मांस भोजी अथवा चंडाल इत्यादि पापी लोगों को शुद्ध कर देता है। ऊपर का जो पापी बोला वो तो शुद्ध होता है, ये भी शुद्ध होता है, भगवान का नाम कीर्तन का एकदम पक्का सहारा ले तो नहीं तो होगा नहीं। ऐसा करके समझाने के बाद जब इंद्र महाराज बहुत दिन तक छुपे रहे, इंद्र महाराज बहुत दिन तक छुपे रहे भाग गया था। इंद्र महाराज जब छुप के रहा बहुत दिन और राजगद्दी पे कौन बैठे, कोई है नहीं, पूरा स्वर्ग राज्य जो है उसमें अव्यवस्था हो गया, कौन संभालेगा स्वर्गराज, इंद्र तो भाग गया अब कौन संभाले। तो बाकी व्यवस्था करके नहुस राजा बोल के एक राजा है बहुत पावरफुल, नहुस राजा को बैठा दिया गया
बोले महुष राजा को बोला जब तक इंद्र महाराज ना वापस आए तब तक आप ये स्वर्ग का जो गद्दी है उसमें आप बैठो, आप काबिल आदमी हो। नहुस राज गद्दी में बैठा, जो ही लंका में जाता है वही रावण हो जाता है। पॉलिटिकल मोहन में ऐसा बात चलता है, लंका में जो जाए वही रावण बन जाए। ये इसको दिया गया स्वर्ग का गद्दी, वो जोश में आकर वो ऐसा हो गया, उसका बुद्धि खराब हो गया। अब बोले महाराज इंद्र का गद्दी में मैं बैठा हूं तो इंद्राणी जो है वो भी हमारा है, अभी इंद्राणी को भेजो हमारा बात। इंद्राणी बोले ये कैसे हो सकता, हमारा स्वामी है इंद्रो। बोला ना हम नहीं जानते, ऐसा करना पड़ेगा। तो ऋषि मुनियों का पास शरणागत हुआ, महाराज हम क्या करें, ऐसा तो हालत है। तो ये विचार करके बताया, एक काम करो तुम उसको बोलो ब्रह्मर्षि जो है ब्रह्म ऋषि का दोला में चढ़ खड़ा है, जो ब्रह्म ऋषि है अगस्त है पुलस्त है जितना सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि है, उन लोग तुमको पालकी का ऊपर ऐसा बैठा के ले आए तब आपको भजन करेंगे आपको, ऐसा बोलो। इंद्राणी को सिखा दिया, इंद्राणी को सिखा दिया ऐसा बोलो तुम। इंद्राणी जाके बोले ऐसा करो ठीक है आपको भजन करेंगे हम, तो आप ब्रह्मर्षि का दोला पर चढ़ के आओ। तो बेटा का बुद्धि खराब हो गया, ओ ब्रह्मर्षि जितना है उन लोगों को दोला, अरे हमारा पालकी लेके चलो, कहाँ जाना, बोलो वहाँ चलो। अगस्त आदि सब मुनि पालकी को उठाया और आदेश कर रहे थे, करते करते जाते समय बार बार बोल दो सर्पो सर्पो जल्दी चलो, ऐसा कर रहा है, बार बार ऐसा बोलते हैं और जैसे चाबुक लगाने का डर दिखाता है ऐसा करते। बोलो सोचो क्या बुद्धि खराब हो गया, ऊपर ब्रह्मोर्षि है सब बैठा हुआ, ब्रह्मोर्षि ले जा रहा है, अब ब्रह्मोर्षि होके ऐसा गाली दे रहा है जल्दी सर्पो सर्पो मतलब जल्दी चलो, ऐसा बोलते बोलते ऋषि बहुत गुस्सा हो गया, बेटा सर्प बहुत जल्दी चलो सर्पो तू सर्प हो जा बेटा, बोले एक सांप दे दिया वो सर्प होके गिर पड़ा दस धरास से सांप हो गया। अब हो गया इंद्राणी का सत्संग, इंद्राणी का संग 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 हो गया, एक सांप दे दिया गुस्सा होके बोले हाँ जा बुद्धि खराब हो गया तेरा सांप हो जा। तो सांप हो गया, सांप होने का बाद गिरा हुआ है सर्पो सर्पो ऐसा बोलते बोलते बस अगस्त आदि ऋषि शिविका बहन करते करते ऐसा हो गया, इसका बाद इसका पतन हो गया। इधर प्रश्न आता है परीक्षित महाराज जिज्ञासा करें जो ये जो रजतमो गुणी जो असुर है इसका अंदर में जो भक्ति का भाव प्रकाशित हुआ वो कैसे, वो कौन है कौन हो? इस समय परीक्षित महाराज जो प्रश्न किए क्योंकि मुक्तानाम उपि सिद्ध्यानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतवात्मा कोटिशुपि महामुने कोटि कोटि इसका अंदर में हरि भक्त हो भगवान का भक्त हो ये तो सुदुर्लभ है असंभव है, ये तो संभव नहीं कैसे हुआ। वृत्तस्तु स कथम पाप सर्वलोकोपोतापन इत्थम दृढ़मति ही कृष्णे आसित संग्रामो उल्वने ये युद्ध क्षेत्रों में वित्तासुर रजतमो गुण में अभिभूत है इस अवस्था में युद्ध किया, इस अवस्था में उसका जो भक्ति का सिद्धांत तो है अंदर में भक्ति देखा गया, मौत आ रहा है बोले मारो मेरे को मारो जल्दी मारो, कोई डर नहीं है, वो ठाकुर जी के पास जाने के लिए व्यस्त है क्योंकि वो तो असुर नहीं है, वो तो भगवान का एकदम एकांत भक्त है, देवी मैया का साफ से उसको असुर जोनी मिला, वो चाहता कि जितना जल्दी हमारा असुर जोनी छूट जाए फिर हम वापस जाएंगे भजन ऐसा। तो सुखदेव गोस्वामी बोले देखो पुराने कहानी है ये चित्तकेतु राजा बड़ा विशाल राजा और इसका बहुत रमणी लेकिन एक भी संतान नहीं है, एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ कुछ, इसके लिए बड़ा भारी दुखी थे।
आसिद राजा सार्वभौम सुरोसेने सुबई निपो चित्र केतु इति ख्यातो यस्यासित कामधुंग मही सारा पृथ्वी को शासन करते थे। इतना पावरफुल है, इतना पत्नियां हैं, लेकिन एक भी बच्चा नहीं, संतान नहीं। बड़ा दुखी थे, राज सिंहासन आदि कुछ नहीं अच्छा लगता, लेकिन क्या करे। एक दिन क्या करे, ओंगिरा ऋषि आए हैं। ओंगिरा उवाचो, ओंगिरा आ गया। ओंगिरा को, ओंगिरा ऋषि को आते हुए देखे, त्वं पूजयित्वा विधिवत प्रत्युत्थान अर्हनादिभिः कृत्वाथित्वं उपासीदत सुखमासनम समाहितः, आराम से बैठा लिया, पूजा किया, उसका आरती किया, सब कुछ किया, और बैठ के अब उसको सिंहासन में दंडवत किया। ओंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि देखो, ओपीते नामयम सस्ति प्रकृति नाम यथात्मनः यथा प्रकृतिभिर् गुप्तः पुमान राजा च सप्तो वि। ओंगिरा कह रहे हैं कि देखो राजा, आप जो ये सब बड़ा सिंहासन में बैठे हुए हैं, वो सब की जो ओपी थे ना अमयम सस्ती, आपका हृदय में शांति है क्या, आनंद है तो, आप कुशल हो तो, और ऐसा अवस्था पूछा, क्योंकि महदादि सप्त प्रकृति द्वारा जीव का जो अंतकरण का जो हेर फेर होती रहता है। नारद जी महाराज इसीलिए श्रील व्यासदेव गोस्वामी जी को पूछे थे, याद है आपको, जब व्यासदेव गोस्वामी सरस्वती नदी का किनारे बद्रीनारायण जहाँ है, व्यास गुफा का उधर व्यासदेव जी चुपचाप बैठे हुए, मन में उतना प्रसन्नता नहीं है, तो नारद जी आके पूछे, पराशर नंदन, आपका जो आत्मा है शरीर और मन का साथ आप संतुष्ट हो कि नहीं, शरीर और मन का साथ आप खुशी हो, संतुष्ट हो, आपका शरीर ठीक है, आप कैसे हो। इसका मतलब ये है, जब भी व्यासदेव जी कोई साधारण आदमी नहीं है, शक्तावेश अवतार, फिर भी नारद जी का ये प्रश्न का उत्तर है, ये प्रश्न किए इसलिए जे स्वाभाविक रूप अंतर आत्मा का जो वृत्ति है वो जो है छुपे रहते हैं, और मन और शरीर का प्रभाव के द्वारा ही जगत का आदमी प्रभावित रहते हैं हर वक्त, यही नियम है, अक्सर यही नियम है, कोई विशेष बात हो तो अलग बात, आपका शरीर और मन का साथ आप संतुष्ट हो, कैसे हो, ऐसा पूछा। जब ऐसे करे कहे तो चित्त के दुराजा बोले, बोले वाह महाराज, हम तो कैसे संतुष्ट हो, बोलो, हमारा कोई संतान नहीं, कुछ नहीं है, और क्या करे, ये सब देखे उदासीन है बड़ा, आप कृपा करके कुछ व्यवस्था बताओ, भगवान किंग न विदितम, आप लोग, आप जो प्रश्न कर रहे हो आप क्या नहीं जानते हो, अंतर्जामी अंगिरा ऋषि को कहते हैं, भगवान किंग न विदितम तपो ज्ञान समाधि भी योगी नाम धस्त पापा नाम वही अंत शरीरेशु, जो प्राणियों का अंतर बाहर सब कुछ दिखाई पड़ता, आप जैसा महात्मा इतना आपको क्या नहीं पता है, सब जानते हो आप, हमारा जो दुख है बड़ा भारी दुख है, हमको ये दुख को सागर से आप पार करो, तन्न पाही महाभागो पूर्वी सहो गतम तमह यथा तरेम दुष्पारम प्रजया तद विदेही न, जिसका संतान नहीं होता पिंडोदान कौन करे, पिंडोदान करने के लिए पुत्र का जरूरी है, इसलिए शादी करने का मतलब व्याख्या यही किया गया, शादी करने जो व्याख्या है इसमें यही दिया गया, शादी का मतलब पुत्र प्रयोजन है, क्योंकि पुत्र
पिंडदान करे, पूर्व पुरुषों को सब पिंडदान करके विष्णु चरण में फिर उसको उद्धार करे, ऐसा नियम है। पुत्रों प्राप्ति करने के लिए साधु शादी का व्यवस्था है, ये बहुत सारे व्यवस्था है, सब देखोगे तो विचार करने का टाइम ही कम। हमको ये दुखो हमारे दुख सागर से हमको पार करो हे ऋषि, बोले प्रार्थना किए। ऐसा प्रार्थना करने का बाद दयालु ऋषि जो है वो यज्ञ व्यवस्था किए, उसके बाद चारु तैयारी किए और स्रपयित्वाचारम त्राष्ट्रम त्रष्टारम अजजत विभुः। और उसके बाद वो जो यज्ञ किए उसके बाद को प्रसाद जो है बोले ले ओ, ये अपना पत्नी को खिला देना। पत्नी को खिला देने से हर्ष शोक समन्वित तो तुम्हारा एक लड़का होगा। बस सुना लड़का होगा तो आनंद के मारे उछल पड़ा, बस लड़का होगा बोला बस। अब ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारा हर्ष शोक पैदा करने वाला लड़का होगा, ये बात पर ध्यान नहीं दिया। पुत्र होगा बस, पुत्र होगा, नाचना शुरू कर दिया। अपना बड़ा महिषी जो है प्रधान महिषी को प्रसाद खिला दिया। उसके बाद क्या हुआ जे कृतोद्युति नामक जे प्रधाना पत्नी इनके गर्भ संचारित हुई। और ब्रह्म ऋषि जो बोला हर्ष शोक प्रदस्तु भ्याम इति ब्रह्मसुतो जजो, भाई बार बताया कि अथाहो निपतिम राजन भवितोई को स्तवात्मज, एक आत्मज होगा तब। हर्ष शोको प्रदस्तु भ्याम इति ब्रह्मसुतो जजो, ब्रह्मसुतो जजो, ब्रह्मा का लड़का वो जो अंगिरा वो चला गया ऐसा बोल के। असापि तत् प्रासनाद एव चित्रो केतुर अदधात् गर्भम कृतद्युतिर देवी कृतिकाग्ने रिवात्मजम कार्तिकम। आप ये सुंदर एक लड़का का आविर्भाव हुआ चित्तकेतु से, प्रसाद पाने का बाद चित्तकेतु से संतान धारण किया। उसके बाद कार्तिक जैसा इतना सुंदर लड़का हुआ। तस्या अनुदिनम हैं बजे ऐसा सुंदर एक लड़का हुआ। इसके बाद गर्भ आविर्भाव होने का बाद ये बच्चा का ऊपर बड़ा प्रीति हुआ, क्योंकि कोई तो है नहीं। ये संतान आविर्भाव हुआ, पूरा पागल हुआ, आनंद के मारे पागल हो गया। और ये जो संतान है इतना पत्नी है, लेकिन एक पत्नी कृतोद्युति बड़े पत्नी इनके एक संतान हुआ, बाकी किसी का संतान नहीं हुआ। इसलिए ये जो पत्नियां जो हैं उनको हिंसा हुआ, बड़ा भारी हिंसा हुआ। हम लोगों का हमारा कोई संतान नहीं है, एक इसका ही है, हिंसा किया। अंतर में बड़ा प्रतिहिंसा आया, बोले बच्चा को कैसे मार डाले, बच्चा को मारो बोल के क्या की। इतना प्यारा बच्चा उसको दूध का साथ विष मिला के उसको खिला दिया, खिलाने से बच्चा मर गया। और धाई माँ जो है, धाई माँ बच्चा को जगाने गए और धाई माँ दौड़ के आए रानी माँ का पास। रानी माँ बच्चा उठता नहीं, क्या हुआ क्या हुआ, चल देखे ऐसा आंखें हैं, सब विष खा के विष खिला दिया, मर गया। ये खबर चला गया राजा का पास, चित्तकेतु राजा का पास राजदरबार में था। राजदरबार में जब ये खबर पहुंचा तो राजा पागल का मापिक, मुकुट गिर गया, कपड़ा खुल गया, पसीना पसीना पागल का मापिक, रोते रोते आ गया, रोते रोते। और जिस घर में बच्चा
सोया हुआ था, रोते रोते पागल हो गया, जैसे कि पृथ्वी धरती फूट जाए, ऐसा रोना उसका। रोते रोते जब पागल हो गया तो इस समय क्या हुआ, नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि फिर से आए। फिर से जब राजा मान ही नहीं रहा है, राजा रो रहा है बहुत पागल का माफिक, बच्चा को मरा हुआ देखे तो एकदम। इस समय फिर वो अंगिरा ऋषि जिन्होंने संतान का व्यवस्था किया था, इसके साथ नारद ऋषि दोनों आके उधर ये चित्तकेतु राजा को थोड़ा उपदेश दिया। राजन क्या हुआ, आप इतना रो रहे हो, इतना शोक विह्वल हो? बोले हमारा ये संतान है ऐसा मर गया, ऐसा चित्तकेतु कह रहे। उसके बाद संतान का अंदर में प्राण संचार का, जैसे चैतन्य महाप्रभु किया, शिवस अंगना में, शिवस अंगना में क्या था, संतान चला गया शिवस, अंदर मोहन में इतना रोला, रोने का शोर चल रहा है। और चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन रास जो है, एक साल तक दरवाजा बंद करके रात का टाइम पे नवद्वीप धाम संकीर्तन चल रहा है। और प्रभु कह रहे हैं कि आज मजा नहीं आ रहा है, क्या बात है, शिवास जी का जो लड़का है वो गुजर गया। बार बार महाप्रभु बोल रहे आज मजा नहीं क्यों हो रहा है संकीर्तन में, क्या बात है। बाद में पता चला कि शिवास का लड़का का मौत हो गया। सुनने का साथ साथ ही शिवास का लड़का, शिवास का तो कोई दुख नहीं है, वो जानते हैं। तो शिवास का जो लड़का है उसका अंदर में प्राण संचार किया करके बोले कहां जा रहे हो, उठो। बोले हमारा इधर जो संतान बन के आया था, इधर का काम मेरा खत्म हो गया। जीवात्मा बोल रहे हैं, जीवात्मा आ गया शरीर में, शरीर का अंदर फिर आके बोल रहे, बोले हमारा जो क्रियाक्रम था ये सब हो गया, हम जा रहे हैं, अभी हम नहीं रुकेंगे इधर। बोल के जो लोग शोक कर रहे थे सबका शोक विनष्ट हो गया। इधर भी ऐसा है, ये जीवात्मा जो बच्चा है, बच्चा का अंदर से जो जीवात्मा चला गया, फिर उसको लाया, लाके वो जीवात्मा के द्वारा कुछ कथा हुआ। इधर चित्त के तो सामने बैठा हुआ है राजा, जीवात्मा को बोल रहे हे जीवात्मा तुम कहाँ जा रहे हो, देखो इतना सुंदर व्यवस्था, राजगद्दी है, सब कुछ है, तुम्हारा पिता रो रहा है, माता रो रही, कहाँ जाओगे? तो जीवात्मा फिर आ गया शरीर का अंदर, आके बोले हमारा इधर का जो काम है सारे खत्म हो गया, हम जा रहे हैं। आत्मा का गति ऐसा ही है, जहां जितना दिन रहना है वो रहे, उसका बात चले, कोई किसका पिता है, कोई किसका पुत्रो है, कोई किसका लड़की है, ऐसा तो कोई है नहीं है। खामाखा बंधन में रहते हैं जितना सारे जीव लोग, जीव जगत। इसके बाद जब ये उपदेश कराया तो चित्तकेतु को बड़ा आश्चर्य हुआ, चित्तकेतु पैर, चित्तकेतु गिर पड़े चरण में, ठीक से बताओ आप लोग कौन हो, ठीक से बताओ आप लोग कौन हो, मेरे को ऐसा उपदेश दिलवाया, कौन हूं बताओ। जीवात्मा का अंदर, ये जो बच्चा का अंदर जीवात्मा फिर आ गया, फिर निकल गया, कौन हुआ? तो परिचय दिया, राजन मैं वही हूं अंगिरा ऋषि जिन्होंने आपको बोला था आपको एक संतान होगा हर्ष शोक प्रदो, बच्चा एक पैदा होगा जिसके द्वारा बड़ा आनंद भी होगा, बड़ा दुख भी होगा, हर्ष शोक प्रदो। आप ध्यान नहीं दिया मेरा ये बात को, इस बात का ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं ये बोल के गया था। ये है नारद जी महाराज, ऐसा कत्ते कत्ते तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। चित्तकेतु महाराज का जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया। जो सब समाज का आदमी जितना भोग विलास में उलझे हुए हैं,
ये सब जीवों का जिंदगी में एक बड़ा धक्का आ जाए, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है। वो लोग तो गाली देते हैं ठाकुर जी को, लेकिन किसका जिंदगी में एक बड़ा धक्का आ जाए, ठाकुर जी एक धक्का दे, उसके बाद रोना शुरू कर दे, हाय हम कहाँ जाए, फिर ठाकुर जी व्यवस्था करके, तेरे तो ये व्यवस्था है, व्यवस्था कर दे। रोना, ये रोना धोना क्या काम का, अगर तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं हुआ तो। इसी जिंदगी में एक बड़ा धक्का मिलना जरूरी है, वे एक बड़ा धक्का आ जाए, अपसेट हो जाए, कि चिंता करने बैठे जिंदगी क्या है, एक बड़ा धक्का आ जाए उसके बाद चिंता करने बोलते महाराज शांत होके, महाराज ये जिंदगी क्या है, ये तो चला गया, देखो मैं भी चला जाऊं। इसके बाद जो है अंतर में अगर आत्मजिज्ञासा पैदा हो तो वो जीवात्मा का समझ लो कि ठाकुर जी व्यवस्था कर देगा। आत्मजिज्ञासा ना हो तो इसका मंगल का कोई रास्ता नहीं खुलेगा। जीवोस्व तत्व जिज्ञासा, ये भागवत का कहना है। जब तक तत्व जिज्ञासा किसी का अंदर में ना पैदा होए तब तक कोई रास्ता खुलेगा नहीं। कुछ भी बोलो, ए लड़की का चाकरी, लड़की का शादी, ये स्वामी का ये है वो है, सारे रिश्तेदारी में आनंद में पूरा जिंदगी जा रहा है, चित्त की तो की जिंदगी, बड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन आने का बाद क्या हुआ, एक सुंदर वो दिख, वो जो है एक मंत्र, ये जो है बड़ा भजन किया, सुंदर बहुत भजन किए। भजन करते करते कौन से मंत्र, बोले इधर जो है एक मंत्र मिला था उसको, इस मंत्रों के द्वारा वो भजन शुरू की और जीवात्मा का तो ऐसा हो गया, ये सब बात अनुवाचो। इधर जो है जो 7 दिन का अंदर, 7 दिन ऐसा मंत्र मिला, ओम नमः भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पते सकल सत्तत परि बीड़ो निकर कर कमल कुंटला कुंटलोप ललाती चरणारविंद जुगल परम परमेश्चिन नमस्ते, ऐसा 7 दिन का अंदर चित्रकेतु से सुख बाचो भक्तावितयाम प्रपन्नायो विद्याम आदिश्य नारद, नारद ये विद्या उसको दे दिया। और उसका बाद नारद जी चला गया, जजौ अंगी रसा साकम धामम स्वयं भुवम प्रभो, चित्रकेतु चित्रकेतु स्तुत्वाम विद्वाम यथा नारद भाषितम धारया मासो सप्ताहम अवभक्ष सुसमाहितः, धारया मासो पूरा रात दिन भजन करते रहे, ततः सप्तरात्रांते विद्या धार्यमानया विद्या धराधि पत्तंच लेभे अप्रतिहतम नेपो, विद्याधरो का अधिपति हो गया। 7 दिनों का अंदर भजन करते करते उसका दिव्य दर्शन हुआ, कुछ 7 रात पूरा वे विद्या को जप कर जप किया, भजन किया, करते करते जितना विद्याधर सब विद्याधर है, किन्नर विद्याधर गंधर्व सब है अलग, विद्याधरो का जो अधिपत्य अधिपति हो गया, अधिपति होके अब इसका हालत बहुत सुंदर हो गया, वो जाके वो सेवा में लग गया और ठाकुर जी का प्रसन्न भी हो, ठाकुर जी का अंदर में जो प्रसन्नता वो जागृत किया, बोलिए मृणाल गौरम सितिवाससम स्फुरत किरीटो केयूरो कोटित्र कंकनम प्रसन्न भक्त्यारुण लोचनम वृत्तम ददर्श सिद्धेश्वर मंडलई प्रभुम, प्रभु का दर्शन किया
जप करते करते शेष अंतिम में क्या हुआ, भले ये विद्याधर का अधिपति बन गया। उसके बाद चित्त केतु सिद्धेश्वर मंडल में परिवृत होके मृणाल धवल कांति नील वसन उत्तम किरीट केयूर है अलंकृत प्रसन्न औरन वदन देव देव ठाकुर भगवान को सिद्ध ठाकुर जी को दर्शन किए, देव को दर्शन किए। चित्त केतु ऐसे विद्याधर का अधिपति बन गया। एक दफे चित्रकेतु राजा जो है अपना विमान में बैठकर जा रहा था, जाते जाते अचानक देखे जगत गुरु शंकर भगवान ऋषि मुनियों का सामने तत्वज्ञान का उपदेश दे रहा है, तत्वज्ञान का उपदेश दे रहा है, लेकिन पार्वती देवी को बाम उरु में बैठा कर, समझा, बाम उरु में बैठा कर उपदेश, ऐसा करके उपदेश दे रहा है। और चित्त केतु ये अवस्था देखकर बोले एकदा स विमाने न विष्णु दत्ते न भस्वता, विष्णु ये विमान साधारण विमान नहीं है, ये सेवा के लिए विद्याधर का जो अधिपति है ये सेवा के लिए दिया गया। एकदा स विमाने न विष्णु दत्ते न भस्वता गिरीशम ददृशे गच्छन परितम सिद्ध चारणी, सारे सिद्धोचारण सब ऋषि मुनि सब घेरे हुए हैं और आलिंगान की बजे आलिंगान की कृतो अंकीकृतो आलिंगितो दोनों आलिंग आलिंगांगी अंगी आलिंगांगी अंगीकृतम देवीम बाहुना मुनि संसदी उवाचो देव्या श्रृण्वत्वा श्रृण्वत्वा जहास उच्च स्तदंतिके, देवी को बाम भाग में बैठाकर शंकर भगवान उपदेश दे रहे और ये चित्त के तो विमान में जाते जाते हंसी उड़ाया है, देखो देखो क्या बात है, जगत गुरु है, जगत गुरु का क्या आचरण, ये पत्नी को इधर आलिंगन करके इधर बैठा को उपदेश दे रहे चित्त के तू उवाच एसो लोक गुरु हो, एसो लोक गुरु साक्षात धर्मम रक्ता शरीरी नाम, ये धर्म का वक्ता है और ये देखो इसका आचरण देखो, आस्ते मुख्या सभायम बोई मिथुनी भूयो भर जया, मिथुनी भूत होकर भरजा का सहित बैठे हुए हैं, कैसा बात, जटाधर तीव्र तपा ब्रह्मवादी सभापति ही अंकीकृत स्त्रियंच आस्ते गत ही प्राकृत हो जाता, लज्जा शर्म नहीं है और जड़ जगत का जैसा आदमी करता है ऐसा बैठा हुआ है, बोल के थोड़ा मजा किया। ऐसा करने का साथ साथ ये जो शब्द है जो जो बोला ये सब जो भगवान शंकर सुनते ही चुप हो गया, भगवान शंकर को उत्तर नहीं दिया, भगवान शंकर ये सुनते ही चुप हो गया, क्योंकि भगवान शंकर का जो वैराग्य है, भगवान शंकर का वैष्णवानम यथा शंभु, शंकर भगवान का जो वैराग्य है विवेक है ये कोई जगत को दिखाने वाला नहीं है, जगत को दिखाए एग्जीबिशन नहीं, शंकर भगवान को बोला गया वैष्णवानम यथा शंभु, इतना बड़ा वैष्णव कोई नहीं है, ये जगत को दिखाते नहीं है, अपितु उल्टा करता है, ऐसा करता है कि जगतवासी सोचे कि हम भक्त नहीं है, हम भक्त नहीं है ऐसा सोचे, अच्छा है जाओ, परमहंस गुरु वैष्णव भी ऐसा करते हैं, बंशीदास बाबा जी महाराज भी ऐसा करते थे, सब लोग आके महाराज आशीर्वाद करो एक कृपा करो ऐसा बोलते, तो महाराज क्या करते थे, बाजार से मछली मांस का जो मछली का जो छिलका है बाजार से उठा के अपना कुटिया का सामने धर देते कि आदमी समझे कि हम मछली खाने वाला बदमाश है, इच्छा करके रख देते अंदर में भजन करते थे। और गौरकिशोर दत्त बाबा जी महाराज क्या करते थे, वो लैट्रिन में घुस जाते थे, लोग डिस्टर्ब करने आएंगे महाराज हमारा लड़का का ये करा दो परीक्षा में पास हो जाए लड़की का शादी हो जाए, ये सब उल्टा पलटा भजन में विखे। तो रानी धर्मशाला में जो
बने हुए थे लैट्रिन, कोई यूज नहीं किया, उसका अंदर में बाबा जी महाराज घुस के बैठते थे भजन। दरवाजा खुलते नहीं थे क्योंकि खुलने से डिस्टर्ब करे। और एक दफे बिमला प्रसाद, हमारा प्रभुपाद जी बिमला प्रसाद एक दफे गए और वो लैट्रिन का सामने जाके बोले, महाराज हम आपका बिमला प्रसाद आए हैं, खुलो दरवाजा, हमको भी वंचित करोगे क्या? ऐसा करते बोलते बोलते फिर दरवाजा खोल के हंसते हंसते निकल आया, दरवाजा खोल दिया, जय सुना बिमला प्रसाद आया है, हंसते हंसते दरवाजा खोल के निकल आया, आके बैठाया, बातचीत किए। ये परमांशु व्यक्ति लोग जो है इनका आचरण बड़ा अजीब किस्म का आश्चर्य है, क्योंकि ये जो प्रपंच का जो विषय है भजन में इसको विक्षेप डालेगा तो चुपचाप भजन कर लेगा, ऐसा नाटक रचाता है। शंकर भगवान इच्छा करके, शंकर भगवान कामजयी है, शंकर भगवान स्वयं कामजयी है, काम उसको कुछ कर नहीं सकता, क्या करे। शंकर भगवान का जो तेज है उसके द्वारा कामदेव जल गया था, इसका प्रसंग है बाद में सुनोगे। ये जो कुलोत्सव जी ने सुंदर लिखा है इसमें सुंदर, अभी क्या है, शंकर भगवान चुप हो गया, बोले शिशुक वाचो भगवान ओपी तछ्रुता प्रहस्या अगाध धीर निपो, अगाध धी शंकर भगवान तुसिन बभूव सदसी सभ्याश्च तदनुव्रता। शंकर भगवान का सामने जो बैठा हुआ ऋषि मुनि थे, सिद्धोचारण जो कथा जो उपदेश को सुन रहा था वो भी चुप हो गया, शंकर भगवान चुप हो गए, लेकिन पार्वती देवी को रहा नहीं गया, पैदल पार्वती से बड़ा गुस्सा हो गए। पार्वती बोले, कौन है जैसा बड़ा बड़ा बात बोल रहे, क्या ये जो भृगु अंगिरा ब्रह्मा जी पद्मजोनी ये सब नहीं जानता, धर्म क्या अधर्म क्या, न वेद धर्मम कील पद्मजोनीर न ब्रह्म पुत्रा भृगु नारदाद्या न वही कुमार कपिल मनुष्यो जेनो निषेधंती अति वर्तिनम हरे हरम। अगर ये सब जो ये ब्रह्मा से लेकर जितना मुनि ऋषि है, बड़े बड़े कुमार चतुर कुमार है, सनत कुमार सनंदन कपिल जी महाराज है, कपिल मनु, क्या ये लोग आके शंकर को शासन नहीं कर सकते, तुम ही आए हो शासन करने वाला, तुम कौन हो, न वेद धर्म की धर्म जानता नहीं ये लोग क्या, नो वेद धर्मम कीलो पद्मजनिर न ब्रह्म पुत्रा भिगु नारदाद्या न वही कुमार कपिल मनुष्य जेनो निषेधन्ति अति वर्तिनम हरम। एसम बलचन एसम अनुध्येय पदा पदाम्भोज जुगमम जगत गुरुम मंगल मंगलम स्वयं। ये स्वयं शंकर जो है साक्षात मंगल का स्वरूप, यही आया है दंडधर, अयम किम उधुना लोकेश शास्ता दंडधर प्रभु, इसको का शासन करने के लिए भेजा कोई, बोल के बड़ा गुस्सा हो गया। इसके बाद क्या की, बजे ये तो साफ दे दिए, चलो पूरा। अतः पापी असीम योनिम आश्रिम जा ही दुर्मते, जा आसुरिक योनि में प्रविष्ट हो जा, जते हो भूयो जते हो भूयो महत्वाम न करता पुत्रम किल विषम। जब ये ऐसा किस्म का पुनरा ये महत व्यक्ति का चरण में तुम्हारा कोई अपराध ना हो जाए, इसलिए मेरा ये अभिशाप रहा, तुम अभिशाप दे दिए। साप देने का बाद चित्रकेतु विमान से उतर कर आए और देवी का चरण में दंडवत किए और बताया कि देखो देवी, आपका सामने में अभिशाप को काटने के लिए नहीं आया हूं, अभिशाप तो आप दे दिए हैं ठीक है, बल्कि आप अभिशाप मेरा स्वीकार है, आप स्वीकार कर लिए।
संसार चक्र तस्मिन जंतुर अज्ञान महित ब्राह्मण सुखंच दुखंच भुंगते सर्वत्र सर्वदा। ये संसार में सुख दुख को भोगते भोगते सारे जीवात्मा एक जनी से दूसरे जनी जाते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ा बात। आपका साप मंजूर है देवी, कोई बात नहीं। अथो प्रसाद ये नम साप मोक्षायो भामिनी, हे भामिनी साप मोचन करने के लिए आपका चरण में हम नहीं आए, छोड़ो जो हुआ तो हुआ, आप साप दिया ठीक है। गिरीश अभी भले बात ये है कि जन्म न से ही असाधु उक्तम ममो तत्खम मताम सती, अगर हमारा जवान से कुछ उल्टा निकाला होगा तो इस बात का क्षमा कर दो। अभिशाप आपको अभिशाप जो लग गया तो ठीक है, अभिशाप दिया इसका लिए मेरा कोई ठीक है, अभिशाप दिया। इसके बाद विमान में चढ़कर चले गए, लेकिन जो गिरीश है शंकर भगवान बड़ा उदासीन बन गए। शंकर भगवान ने देवी को बताया, देवी तुम अभिशाप दे दिए, विचार भी नहीं किए, कोई तो ऐसा भी हो सकता कि मजा किया मेरा साथ मस्करा किया, तुमने समझा नहीं और डायरेक्ट एकदम पूरा साप दे दिया। देखो वैष्णव कैसा होता है, तुमने उसको साप दिया, वो अगर तुमको साप देते थे तो, तुमने उसको साप दिया लेकिन बदले में चित्रकेतु आपको ये जो राजा है ये आपको साप नहीं दिया, ये अगर आपको साप देते तो क्या होता, ये साप नहीं दिया। ततस्तु भगवान रुद्रो रुद्राणी इदम अवब्रीद, रुद्राणी रुद्र भगवान रुद्राणी को ये कह रहे हैं कि देवोर्षि द्वैत सिद्ध्यानाम पार्श्वदानांच श्रृण्णताम, रुद्र रुद्र बोलना शुरू कर, देखो दृष्टवती असी सुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मण महात्यम भृत्त भित्वानम निष्प्रियानम महात्मनम नारायणो परहा सर्वे न कुतश्च विभति सर्गाप वर्गो नरकेशोपि तुल्य दर्शन दर्शिना। देवी भक्तों का महिमा देख लिया, भक्तों कैसा होता है देखो, हैं देख लो कितना अद्भुत। ठाकुर जी का जो भजन करता है वो लोग का ये जो साधु गुरु वैष्णव इसका कितना बड़ा महिमा। और नारायण परायण जो होते हैं, जो नारायण प्रपंचातीतो लोकातीतो भूमिक जो नारायण वैकुंठपति नारायण का जो भजन करते हैं ये लोग कभी स्वर्ग नरक किसी भी जगह आप भेजो किसी जगह वो लोग का कोई डर नहीं है, वो लोग डरते नहीं है। नारायणो पराहा सर्वे न कुतश्च विभति, किसी जगह भेजो इसको डरते नहीं, क्योंकि जो भी जगह जाए इसका हृदय में भगवत चिंतन बने रहते हैं हर वक्त और कुछ नहीं। बस स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु उपी स्वर्गों में भेजो, अपवर्गों में भेज दो, स्वर्गाप वर्गो नरकेशु ओपी तुल्य दर्शन, समान दर्शन करते हैं, क्योंकि उसका कोई अंतरात्मा जो है हर वक्त भगवान का चरण में रमन करते रहते हैं, कोई ऐसा कोई खास बात नहीं। ऐसा करते करते चित्त प्रतु का जो प्रसंग है, ये चित्त प्रति का प्रसंग आया, चित्त वसु का ये सब प्रसंग आया। अभी जो है बात जब बामन जी महाराज, ये बार दूसरा ये है चित्तोगति का संवाद हुआ, ये सब सुने। बामन जी महाराज का आविर्भाव हुआ, बामन महाराज भगवान स्वयं, और ये आपका जो असुर लोगों का जो माता है दीति, दीति बड़ा दुखी भाई, दीति बोले हमारा कोई संतान आदि नहीं है, ऐसा ना ऐसा करो को हमारा इंद्र को मारने वाला एक संतान हो जाए अमर पुत्र, ऐसा एक व्यवस्था कर दो।
कश्यप ऋषि का पास आके प्रार्थना किए। कश्यप ऋषि चिंता करते रह गए, पर देखो ठाकुर जी का क्या माया है, देखो ये इंद्रों को मारने वाला एक लड़का मांगता है, क्या किया जाए। जब ऐसा बताएं तो कश्यप जी ने एक इंद्रों को, अब कश्यप जी ने सोच में पड़ गया, हम क्या क्या करें, प्रतिज्ञा किया आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन कैसे, ऐसे आशीर्वाद कैसे दे। उसके बाद दीति को एक व्रत का उपदेश किए, एक साल तक वो व्रत पालन करना चाहिए, पूरा एक साल वो व्रत का पालन करे तो ये हो सकता, एक साल तक ये व्रत का व्रत पालन करे, कठिन व्रत, झूठा नहीं बोलना है, हर वक्त शुद्ध रहना है, पोती का चिंतन भी नहीं करो, पोती का चिंतन भी नहीं करो, सो के बिल्कुल विशुद्ध मन की जो भाव है बिल्कुल विशुद्ध रहो, किसी का साथ हिंसा मत करो, किसी प्राणी के एक प्राणी का हिंसा ना हो जाए तुमसे, और सारा दिन में क्या क्या नियम है, कैसे प्रसाद पाओगे, कैसे अर्चन पूजन सब बता दिया, और झूठा मुख जाए शौचाचार पूर्ण पक्का होना चाहिए, शौचाचार अगर उल्टा हो गया तो तुम्हारा संतान उल्टा हो जाएगा, होगा नहीं, ऐसा करके पूरा कब क्या करना है सारे बता दिया। ऐसा करने का बाद जो है, क्योंकि कश्यप जी बड़ा चिंता में पड़ गए, क्योंकि स्त्री को, स्त्री का जो सेवा है देख के बोले भामिनी हम आशीर्वाद देंगे, जो मांगोगे वो देंगे, अभी ये सब आशीर्वाद देके कश्यप ऋषि बड़ा सोच में पड़ गया, आप क्या करें ठाकुर जी, आप बचाओ, क्या करें, क्या करना चाहिए हमको। अदिति को ये जो उपदेश है ये सब पूजन आदि सब बता दिया। करने के बाद बोले आप जो दीति मैंने धारयिष्य व्रतम ब्राह्मण ब्रूहि करयानी जानी में है जानी चेह निषिद्धानी न व्रतम ग्रंथि जानी उतो, आप सब क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये सब सारे विषय को ऊपर एक पूरा हमको शिक्षा दीजिए, ये व्रतों को कैसे धारण करना है, कैसे व्रतों धारण करने से हमारा व्रत नष्ट नहीं हो। कश्यप ऋषि भी बताए, देखो कश्यप ऋषि सुंदरी बहुत सारे विधि निषेध है इसमें, हम थोड़ा कह रहे हैं, कभी भी किसी प्राणी को हिंसा मत करो, किसी को साप मत दो, मिथ्या बोलो मत, नख रोम इसका छेदन मत करो, हैं अमंगलजनक कोई भी वस्तु स्पर्श ना करो, जल में जल के अंदर उतार कर स्नान नहीं करो, कहार प्रति क्रोध मत करो, दुर्जनों सहित वाक्यालाप मत करो, किसी फालतू आदमी जो पापी आदमी का मुख दर्शन मत करो, अधौत वस्तु परिधान मत करो, बहुत सारे दूसरे का माला आदि व्यवहारित वस्त्र आदि माला बिल्कुल व्यवहार मत करो, ऐसा बहुत किस्म का एकदम बुरा चार्ट बना दिया। वो चार्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, कश्यप जी सोचा कि हम क्या करें, ये तो आशीर्वाद तो दे ही दिया, तो कश्यप ने सोचे कि ठाकुर जी हम क्या करें, तो ठाकुर जी ने बुद्धि दिया इसको, ऐसा एक व्रत बता दे ये व्रत कभी भी पालन नहीं कर सकेगा, उसको वो तो सुनेगा नहीं, बोला हमारा क्या दोष है, हम तो आशीर्वाद दिया था, आप व्रत उल्टा कर दिया, हमारा क्या दोष है, ऐसा बता दो। तो ऐसा व्रत बता दिया, ये व्रत हाथ पैर धो के बिना धोए शौचकर्म किए बिना सोमा संध्या काल में किसी भी समय चूल अलगा ना रहे, संध्या समय में सोमात हजारों किस्म का ऐसा चार्ट बना दिया कि वो चार्ट पालन करना ये दीति का लिए क्वाइट इम्पॉसिबल, संभव नहीं, दीति के लिए संभव नहीं। और ये क्या कि इंद्र भगवान को खबर चल गया कि हमारा सतेली मैया, इंद्र भगवान को खबर चल गया कि हमारा सतेली मैया हमको मारने के लिए एक संतान पैदा करने का चक्कर में फंस गया। और ठीक है, इंद्र भगवान ने राजा का बेस उतार कर साधारण बेस पकड़
साधारण बेस पकड़ कर मैया का पास गई। मैया तुम कैसी हो? बोले सर चरण वंदना किया। या बोलो तुम्हारा शरीर आजकल ठीक नहीं चल रहा है, क्या व्रत रखे हो? हाँ बेटा व्रत रखे हैं। इंद्र जैसे जाके मैया को जैसे संबंध ऐसा किया, हाँ मैया तुम्हारा कुछ सेवा हम कर दे। सेवा का दर्द नहीं, थोड़ा सेवा कर दे। ऐसे कहे फूल फूल फल जो काष्ट हो सब जंगल से आके मैया ले लो। ऐसा करके इंद्र भगवान थोड़ा अपेक्षा कर रहे थे किस समय ये व्रत, ये जो व्रत पकड़ के रखे हैं मैया व्रत धारण करके, इस व्रत का अंदर में कभी भी एक गलती हम निकले, गलती मिल जाए तो उसमें हम उसका सत्यानाश करें। ऐसा करके इंद्र महाराज बड़ा भारी सेवा करना शुरू कर दिया। सेवा करते कर तो अब तो गलती तो हो नहीं है, एक दफे मुंह को धोआ नहीं और चूल बिखरे हुए सो गया। संध्या का टाइम, बस इंद्रो इंद्रो को सुजोग मिला, इंद्रो को सुजोग मिल गया, बोला आप सुजोग मिल गया, मैया का गर्भ में प्रविष्ट हो गया। इंद्रो तो है, इंद्रो साक्षात स्वर्गराज है, इसका तो जोग सिद्धि तो चुटकी के बात है। जोग सिद्धि, जोग सिद्धि के द्वारा मैया का गर्भ में प्रविष्ट हो गया। और क्या कि अपना जो वज्र है इसके द्वारा संतान का जो बीज है जो अभी हो रहा है उसको सात टुकड़ों किया, सात टुकड़ों को सारे हर टुकड़ों को और सात टुकड़ों किया, सात सात 49 टुकड़ा कर दिया। ऐसा और जो बच्चा लोग चिल्ला रहे हैं कि हमको मार क्यों रहे हो, हम तो तुम्हारा ही भाई है, तुम्हारा ही तो भाई है, और हमारा ही भाई है, क्योंकि वो जो 49 वायु जो है, 49 वायु अभी ये जो निकाला, ये जो संतान है सारे देवता लोगों का पक्ष में चला गया, आया नहीं। इंद्र का दर्शन हुआ, इंद्र के साथ सब कुछ है, बहुत सारे विषय है। ऐसा करके जो है सुंदर व्यवस्था हुआ और गर्व से ही संतान लोग बोले हम तो आपका पक्ष का है, क्यों मर रहा है? बोला नहीं मर रहा है, टुकड़ा कर दिया। वो टुकड़ा करने के बाद पूरा 49 वायु निकाले और देवता लोगों का पक्ष में आ गया, बस हो गया। इसके बाद जो हमारा आदिति मैया भी क्या की, आदिति मैया मुरुदगण का जन्म हुआ। ये सब जो है परीक्षित महाराज बोले आप जो पुंसवन व्रतों का आचरण किया, इसका नाम है पुंसवन व्रतो विष्णुमय। इसका बारे में जानने के लिए प्रार्थना किए, उसका बात ये सब मुरुदगण का जन्म और ये व्रत का कैसा नियम है ये सब बताया। सारे बताने का बात जो है ये सब जो है आपका सुंदर पुंसवन व्रतों का बारे में बताया और क्या क्या नियम है, कैसे हवन करना है, द्वादश आहुति देना है, कब भोजन करना है, सब सबको खिला के भोजन करना है, कैसे कैसे सारे व्रतों का इस विषय में बता दिया। और दीति मैया का जो सपना है, दीति मैया का विचार कि इंद्रों को नाश करने वाला एक लड़का हो, वो तो हुआ नहीं। कश्यप ऋषि का कोई दोष नहीं, कश्यप ऋषि तो बहुत बता दिया, तुमने खुद गलती किया तो हमारा क्या क्या करना है। ऐसा करके ठाकुर जी ने कश्यप ऋषि को बचाया। कश्यप जी ठाकुर जी का, ठाकुर जी देखो क्या माया है, इंद्रों को मरने वाला लड़का मांगता है, हम क्या करें, हम तो साहब ओबिशा हम तो आशीर्वाद दे दिया, अब ठाकुर आप बचाओ। अब ठाकुर जी बचा नहीं शरणागत भक्तों को। अभी जो है सप्तम स्कंदो में प्रविष्ट हो रहा है कथा। इधर युधिष्ठिर महाराज का साथ नारद जी का प्रसंग चल रहा है। पहले तो राजा उवाच से परीक्षित महाराज, उसके बाद इस प्रसंग आता है। करते करते ये प्रसंग आता है कि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष इसका विषय आता है। पहले ये बात सुन लो, बहुत सारे प्रसंग है हम तो संक्षेप करना ही पड़े, उपाय नहीं। भाई जो
हिरण्यकश्यप का वध हो गया, आपको पता होगा। तीसरा स्कंद में जब वराह रूपी भगवान हिरण्यकश्यप को वध कर दिया, तब से हिरण्यकश्यप प्रतिज्ञा करके रखा है, विष्णु बोल के जो कोई है उसको हम मार के ही रहेंगे, विष्णु को मार डालेंगे, विष्णु को रखेंगे नहीं, ऐसा करके ये प्रतिज्ञा को पूर्ति करने के लिए वो जितना बारे तपस्या है व्रत है सब कर रहा है। सो बात की बात है, ये तपस्या आदि सब की, और तपस्या करने के लिए जब जंगल में गए क्योंकि विष्णु को मारे, ऐसा पुत्र विष्णु को मारने वाला पुत्र चाहिए, विष्णु को मारने का जो व्यवस्था है इस करने के लिए वो तपस्या में गए। इस समय जो है इंद्र महाराज कयाधु जो प्रहलाद महाराज का माताजी को पकड़ के लेके गए। रास्ते में नारद जी मिला, नारद जी महाराज बोले राजन क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, उठा के ले जा रहे हो परस्त्री, मुंचो छोड़ दो इसको। बोले महाराज हम कुछ नहीं करे, जब इसका संतान पैदा हो जाए तब उसको हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर में जो है वो असुर है, असुर का वीर जो है तो असुर है। नारद जी महाराज बोले नहीं, ये गलत बात है, ये साक्षात सोई अनंत देव का अनुचर है भक्तो, इसको मारो मत, छोड़ दो। मंदराचल पर्वत में गए थे भजन के लिए, और ब्रह्मा जी को तपस्या के द्वारा संतुष्ट किए। संतुष्ट करने के बाद ब्रह्मा जी आए, बोलो क्या वर चाहिए, बोलो हमको अमर वर दे दो। ब्रह्मा जी बोले अमर वर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जगत में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, हम भी अमर नहीं, तो तुमको कैसे अमर वर दे। फिर तपस्या शुरू किया, ब्रह्मा जी चला गया, फिर तपस्या शुरू किया, फिर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आके बोले क्या हुआ, एक दफ वाल्मीकि कीड़े खा लिया पूरा शरीर को कीड़े ने खा, कीड़े सब कीड़े मकोड़े खा लिया। ब्रह्मा जी आके कमंडल से पानी निकाल कर ऐसा छिटका मारा, मारने से फिर दैत्यराज और वाल्मीकि जो है डीपी उससे निकाला, ऐसा करके एकदम आंसू लेकर दंडवत किया पितामह ब्रह्मा को, बहुत तप स्तुति किए, उसको कहने का दरकार नहीं उतना। उसके बाद ब्रह्मा जी बोले मांगो वर, तो ब्रह्मा जी देखो तुम्हारा अमर वर छोड़ के जो मांगोगे वो हम दे दें, ठीक है अमर वर छोड़ के अगर मांगना है तो कर दिया। देखो हम आपका सृष्ट कोई प्राणी से ना मरे, कोई अस्त्र शस्त्र से ना मरे, कोई दिन व रात किसी समय ना मरे, घर का अंदर ना मरे, बाहर ना मरे, ऐसा करके पूरा ना जल में ना स्थल में किसी जगह ना हमारा मत ना हो, ऐसा आशीर्वाद कर दो, ठीक है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। हिरण्यकशिपु ने सोचा ब्रह्मा बुढ़ा हो गया, बुद्धि कम है, घुमा फिरा के वही हम तो ले लिया, ब्रह्मा तो अमर पर नहीं दे, हम भी बहुत चालाक है, ब्रह्मा बुढ़ा हो गया, ब्रह्मा को बोका बना के हम भी वही तो घुमा फिरा के अमर पर हुआ, तुम्हारा शिष्य कोई प्राणी ना मरे, तो कोई अस्त्र शस्त्र से हम ना मरे, घर का अंदर ना मरे, बाहर ना मरे, जले स्थले अंतर किसी का हमारा मृत्यु ना हो, ऐसा करके बोले ये तो घुमा फिरा के तो वही तो वर ले लिया और क्या, बोल के वर लेके बोले ठीक है, ब्रह्मा जी वर दे दिया। इस वर को प्राप्ति करने के बाद वो और बदमाशी शुरू किया, ऐसे तो बदमाश है ही है, ये वर लेने के बाद इतना बदमाशी शुरू किया कि मत पूछो, बड़ा बदमाशी शुरू किया, हर जगह अर्चन यज्ञ जो है सब बंद करा दिया, सब बंद करो करके पूरा जाग जोग आती, ब्राह्मण वैष्णव का उतर ऊपर अत्याचार एकदम। और उसके बाद
उसका जो संतान पैदा, वो संतान तो बहुत है, दो तीन, ये जो प्रह्लाद अनुहलाद संघलाद बहुत सारे भाई है, दो तीन। इसका अंदर में प्रह्लाद महाराज छोटा, प्रह्लाद महाराज को शिक्षा देने के लिए बृहस्पति शुक्राचार्यों का जो शुक्राचार्य जी का जो पुत्र है सौंडो और अमर को, शुक्राचार्यों का जो दो लड़का है ये भी विद्वान है, ये लोगों का हिसाब से विद्वान, हमारा हिसाब से विद्वान नहीं, वो भेज दिया। तो उधर जो भेज दिया वो लड़का उधर पढ़ने के लिए गया, और उधर जो पढ़ने के लिए गया बाकी सारे बालक सब छोटे छोटे असुर बालक है उन लोगों के साथ एक साथ पढ़ाई शुरू किया प्रह्लाद महाराज। प्रह्लाद महाराज पढ़ाई शुरू किया, पढ़ाई करने के बाद वो लोग असुरों का क्या विद्या है, असुरों का धर्मो, धर्मो तो बहुत कम है असुर लोग का धर्मो, अर्थो काम, असुर लोग का विशेष जो शिक्षा है अर्थो और काम, धर्मो बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं करते, कभी कभी कोई कर देते, काम और जो अर्थो, अर्थो और काम ये दोनों, ये दोनों विषय पर इसका असुर लोग का ज्यादा शिक्षा है। ये शिक्षा चढ़ाने के लिए भेजा तो इसका बाद प्रह्लाद महाराज का पास एक दिन बच्चा को लेके आया, कौन सौंडो और अमर को लेके आके असुर राज का सामने दिया, असुर राज उसको आदर किया, बच्चा को आदर करके एकोदा असुर राठ पुत्र मंकमारप्यो पांडव प्रपच्छ कत्ताम वत्सो मन्नति साधुजत भवान। ऐसे तो छोटा बच्चा है, पांच साल का, साढ़े चार पांच साल का बच्चा है, पांच साल बूढ़ा भी नहीं, तो सोचे कि कोई विशेष क्वेश्चन करे तो घबरा जाएगा, बच्चा है ना, बोलो बेटा तुम ऐसा करो जो तुम अच्छा समझते हो, हैं कथताम वत्सो मन्नते साधु जद भवान, तुम जो अच्छा समझते हो कुछ सीखे हो ऐसा कुछ बात बताओ। प्रह्लाद महाराज को पूछे, प्रह्लाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दे दिए। प्रह्लाद महाराज ने बोले तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देही नाम सदा समुद्विग्न धिया मसद गृहात हित्वा हित्वा तुपातम गृहमंद कूपम वनम गत यद हरिमाश्रयत। प्रह्लाद महाराज स्मार्टली बता दिया आनंद के द्वारा, कोई डरता नहीं। प्रह्लाद महाराज बोले पांच साल का बच्चा, तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देही नाम सदा समुद्विग्न धिया मसद गृहात हित्वा तुपातम गृहमंद कूपम बनम गत यद हरिमाश्रयेत। तत्साधु मन्ने असुर वर्जो, पिता नहीं बोला, पिता नहीं बोला हे असुर वर्जो, तत्साधु मन्ने हे असुर वर्जो देही नाम देहोधारी जीवों के लिए मैं तो यही अच्छा समझता हूं, सदा समुद्विग्न दिया सर्वभ हर वक्त टेंशन एकदम भरती है, कोई भी किसी भी किसी को भी देखो हर वक्त टेंशन भरती है, टेंशन बने हुए है हृदय में। तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देही नाम सदा समुद्विग्न दिया औसत ग्रह, औसत ग्रहो, औसत ग्रह का चक्कर में सारे टेंशन में गिरे हुए, सब हर वक्त टेंशन, किसी का हृदय में शांति नहीं है, ऐसा जो अस्थिर चंचल जीव सब है ये लोगों के लिए तो मैं यही समझता हूं अच्छा कि हित्वात्पातम गृहमंद कूपम, ये गृह जो है आपका संसार का, संसार संसार का जो गृह है जहां संसार कर रहे हो, ये हित्वात्पातम गृहमंद कूपम, ये अंधकूप का सदृश, ये अंधकूप का बराबर, इसको छोड़कर वन में वन को प्रविष्ट हो जाओ, वन में चले जाओ और हरिचरण आश्रय करो, बनम गत यत हरिम आश्रय, हरि का चरण आश्रय कर लो, जंगल में चले जाओ, इसी को मैं उचित समझता हूं। ये सुनने का बाद एकदम असुर एकदम टूट पड़े, इतना गुस्सा, क्या
ये बच्चा को आपका साथ आपका पास ये सब सिखाने के लिए तो भेजा नहीं, ये बच्चा कैसे ये सब हरि का प्रशंसा कर रहा है, ये हरि का बात क्यों बोल रहा है, हरि तो हमारा शत्रु है, तुमने ये सब सिखाया। तो बार बार ये सब जो सौंड और अमर को प्रार्थना किए, राजन देखो हम लोग कभी ये सब नहीं सिखा दिया, तो क्यों ऐसा बोल रहे है? बोले कैसा जाने ऐसा बोल रहे है, ऐसा क्यों बोल रहा है हमको, जो हमको पता नहीं, हम लोग कभी ये सब सिखा दिया नहीं, विश्वास करो राजन। ये जो तत्साधु मन असुर वर्ज देही नाम, ये बड़ा कमाल का व्याख्या है, हम छोटा सा थोड़े से व्याख्या कर दे। भले पहले प्रहलाद महाराज पिताजी को पिताजी नहीं बोले, असुर वर्ज बोले, क्योंकि जो देवता जो फूल में संतुष्ट होता है, शनिचर देवता को, शनिचर देवता को क्या फूल दोगे, अपराजिता, और शशान काली को लाल जवा दे दो जो शंकर भगवान को रुद्रा आदि दे दो, जो देवता जिस फूल में संतुष्ट होता है उसी देवता को वही देना चाहिए। प्रहलाद महाराज चालू है, जो जन कृष्ण भजन करता है बड़ा चालू होता है। और बोले तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देही नाम, हे असुर वर्जो, इसके द्वारा टीकाकारों ने बोला देखो प्रहलाद महाराज कितना चालू है, असुर वर्जो बोल दिया, तो हिरण्यकशिपु बोला देखो कितना सुंदर, कितना सुंदर बड़ा सिक्का प्राप्त हुआ, इतना छोटा उम्र है हमको असुर वर्जो बोल के, हमको असुर वर्जो बोल के, हमको असुर वर्जो बोल के हमको संबोधन कर रहे, कितना बड़ा इसका सिक्का मिला। टीकाकारों ने बोला देखो हिरण्यकशिपु का बुद्धि ऐसा है, हा साधु समाज संत समाज जो है वो संत समाज हंस रहा है, क्योंकि असुर वर्जो शब्दों के द्वारा, असुर वर्जो ये शब्द है इसके द्वारा क्या प्रतीत होता है, जितने सारा असुर भाव का आदमी है, जितना सारा असुर वृत्ति इसमें सबसे आप टॉपमोस्ट हो, ये तो गाली है, गाली नहीं है, सबसे बड़ा असुर तू है, ये तो गाली है। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसा मीठा बोली में बोला जे आप असुर वर्जो हो, आप हिरण्यकशिपु बोले असुर तो है ही है, असुर वर्जो बोले उसका संतुष्टि, वाह वाह कितना बड़ा शिक्षा प्राप्त हुआ, हमको असुर वर्जो बोला देखो कितना बड़ा तमीज से बात कर रहा है, अब ये इसका अंदर तो गाली है, तो असुर वर्जो जितना सारे असुर है तमाम इसमें तू सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा बोला। ये असुर वर्जो दे ही नाम, सदा तो ग्रह जो है स्टार जो है इसके लिए कोई नीला पहने कि कोई गोमेद पहने, सब एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, महाराज हमारा समय खराब जा रहा है, अब ऐसा कोई बता दो, बोले शनि का दशा बहुत खराब है, मंगल भी बहुत खराब है, अब क्या किया जाए, बृहस्पति उतना अच्छा नहीं है, चलो दो चार स्टोन का प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, आ जाके सब खरीद के लाया, 50,000-60,000 का आसपास होगा, तो चार्ट बना दिया। लेकिन भक्त समाज में विचार है जिसको दसवां ग्रह कौन है, कृष्ण भगवान, जिसको 10 नंबर ग्रह पकड़ लिया उसको 9 ग्रह जो क्या कर सकता, 9 ग्रह जो है कुछ नहीं कर सकता, कुछ होगा नहीं। एक दफे हनुमान जी को बताया गया आप पर शनिचर आ रहा है चरने के लिए, हनुमान जी प्रसन्न होकर बोले कब आए, बोलो थोड़ा देरी है 6 महीना बाद, 6 महीने ना अभी आने बोलो, हनुमान जी बोले अभी आने बोलो, शनिचर को अभी बुलाओ, क्योंकि शनिचर जिसका सर पे चढ़ जाए वो भजन के लिए बहुत अनुकूल होता है, भजन का बहुत अनुकूल होता है बहुत, लेकिन आदमी डरता है हमारा शनिचर गया सारे गया ऐसा जो भी है। तत्साधु मन असुर वर्ज देही नाम, सदा समद्विघ्न दिया मसद्गुरा हित्वा आत्मपात सदृशम, ये जो संसार कर रहे हैं आदमी, इनके जो घर गृहस्थी है इसको प्रहलाद महाराज ने बताया हित्वा आत्मपातम गृहमंद कूपम, आत्मपात मतलब सुइसाइड करने वाला, ये जो संसार में हो तुम्हारा आत्मा का कोई मंगल नहीं हो रहा है, हर वक्त आपका संसार का चिंता है, तो इसको प्रहलाद महाराज आत्मपात मतलब, आत्मपात मतलब आत्महत्या सदृश है, तो ये इससे बढ़कर तो कुछ नहीं है, भले ये हित्वा आत्मपातम
गृहम अंधकूपम, गृह अंधकूप सदृश है, इसको छोड़ के वनम गत हो जाए हरिमाश्रय, वन को चले जाओ हरिचरण आश्रय कर लो, ऐसा हम उचित समझते हैं। ये वनम गत हो जो जो शब्द है इसके द्वारा जो जो सब पागल आदमी है उल्टा व्याख्या करते हैं, बोले तो प्रहलाद महाराज बोला वन वन है वनम गत हो जाए हरिमाश्रय, अब हम वन में चले जाए, वन में चले जाए ना प्रहलाद महाराज बोला, इसका व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने किए। ये वन का शब्द जो है वन, ये जो वन शब्दों का उच्चारण किया इसका द्वारा प्रहलाद महाराज क्या बोलना चाह, इसका बारे में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए, वनम तु सात्विकम वासम राजसम गाम उच्चते त्वामसम दूत सदनम मन निकेतनस्तु निर्गुणम। हमारा जो निकेतन है ये जो मंदिर आदि जो है मन निकेतन जहां वास्तव में रहता हूं वो निर्गुण है, और बनंतु सात्विक बन ये शब्दों के द्वारा मैं सात्विक वास, सात्विक वास मतलब ये बन शब्दों के द्वारा मेरा विचार था कि सात्विक वास, सात्विक वास मतलब साधु संतों के द्वारा साधु संतों के सन्निधि में हर वगैरह हरि कीर्तन हरि का था, साधि संगे कृष्ण नाम यही मात्र शाही संसार जीत यार कोनो वस्तु नाई। बन ये शब्दों के द्वारा प्रहलाद महाराज का कहना है साधु संतों के साथ आप रहो हरि कीर्तन हरि कथा में व्यस्त रहो, यही बोलना चाह। लेकिन जगत का आदमी उल्टा व्याख्या करिए तो प्रहलाद महाराज जंगल में चला, हम भी जंगल में गया क्या दोष हुआ, ऐसा करके जब नारद जी बोले, जब ऐसा प्रहलाद महाराज जी का जो ये बात सुना हिरण्यकशिपु, सुनते ही एकदम बड़ा गुस्सा आ गया, श्रुत्या पुत्र गिरो दैत्यो परपक्ष समाहिता जहासो बुद्धिर बालानं विद्धते परबुद्धिभिः, हंसना शुरू कर दिया, वो देखो एक छोटा नादान बच्चा है वो हमारा शत्रु का बात करे, हरि तो मेरा शत्रु है, परोपक्ष समाहित हो ऐसा, बच्चा का जो बुद्धि है दूसरे का साथ संग हो जाए तो बच्चा का बुद्धि तो ऐसे ही कमोल है, और किसी का बातों में आ गया तो उसी का बात को गोहन कर लेते, बच्चा तो है उसका तो बुद्धि उतना पका नहीं है, तो जिसका साथ संग हो जाए उसका ही बुद्धि इसका अंदर में आ जाए, ऐसा करके जब एकदम चिल्लाया इसको कौन ये सब सिखा दिया, तो इसका बात ये जो संडो और अमर को जी बताया कि देखो हम लोग ने ये सब शिक्षा नहीं दिया, कभी ये सब शिक्षा नहीं है प्रहलाद, कहाँ से प्रहलाद को ये सब शिक्षा मिला कौन जाने, वत्स प्रहलाद भद्रम थे सत्यम कथयो मामृषा बालानुति कुतःस्तुभ्याम एशो बुद्धि विपर्जय, तुम एकदम छोटे हो बच्चा हो, सच्चा बताना झूठा नहीं बताना, वत्स प्रहलाद भद्रम थे तुम्हारा मंगल हो जाए, सत्यम कथयो मामृषा झूठा नहीं बोलना सच्चा बोलना, ये बच्चा लोगों के साथ तुम रहते हो तुम्हारा ये बुद्धि का जो विपर्जय है वो कहां से हो गया, कौन तुमको ये सब बुद्धि दिया, बुद्धि भेद तुम्हारा, हम तो ये सब शिक्षा नहीं दिया, हम जो शिक्षा दिया वो शिक्षा तो तुम्हारा अंदर, तुम तो बोला ही नहीं पिताजी के सामने, बुद्धि भेद परकृतो उताहो ते सतो अभवत, ये जो बुद्धि भेद तुम्हारा हुआ किसके द्वारा हुआ, किसी दूसरे का द्वारा हुआ कि तुम्हारा अंदर में स्वाभाविक संस्कार है जिसके द्वारा ऐसा, भन्यताम कहो भन्यताम श्रोतु कामानम गुरु नाम कुलनंदनम, हे कुलनंदनम हम दोनों गुरु है तुम्हारा, हमारा सामने ये सब बताओ कैसे क्या हुआ है। प्रहलाद महाराज अभी बोलना शुरू कर दिए, देखो ये बुद्धि जो है प्रहलाद महाराज में तो जे किसी का द्वारा मेरा बुद्धि नहीं हुआ है, बजे प्रहलाद महाराज पहने बोला जो ठाकुर जी का विपुल माया, जिस ठाकुर जी का विपुल माया के द्वारा तुम्हारा हमारा सौ पर ये बुद्धि का उत्पत्ति होता है, विमोहित धियाम
दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। वो भगवान को हम नमस्कार करें जो भगवान का दुष्पार माया के द्वारा सब जीव हमारा तुम्हारा ये सौप और ये सब बुद्धि भेद हो जाता है। ये ठाकुर जी का चरण में पहले मैं दंडवत करूं। ऐसा कहते कहते प्रहलाद महाराज ने सुंदर तत्व उपदेश किए। उसके बाद प्रहलाद महाराज जी को बहुत दिन बाद फिर से शिक्षा दिया। फिर से शिक्षा देने के बाद बहुत दिन बाद फिर हिरण्यकशिपु जी का सामने बच्चा को लेके गया। राजन ये आपका पुत्र जो है पुत्र को शिक्षा दिया बहुत सुंदर, अब इसका परीक्षा ले लो। जब ये बच्चा को लाए प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु उड़ाचो, हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद उच्चताम तातो स्वाधीतम किंचित उत्तमम। हे प्रहलाद तुमने जो सीखे हो इसमें कुछ विशेष अच्छा बात जो है कुछ दो एक मेरे को सुना दो। प्रहलादन उच्चताम, प्रहलादन उच्चताम तातो स्वाधीतम किंचित उत्तमम। काले नैतावत आयुष्मना जद अशिक्षत गुरुर भवान। गुरु का सामने इतना दिन में जो कुछ भी सीखा अपने सीखा किए हो ऐसा कोई उत्तम सीखा मेरा पास अगर बताओ तो अच्छा। किंतु उत्तमम प्रहलाद महाराज का सामने हिरण्यकशिपु बोले उत्तम सीखा। आप उत्तम शब्दों की यूज किया, उत्तम शब्द जो है यूज किया। उसका बाद प्रहलाद महाराज जी ने सोचे ये जो सौंडो और अमर को ये तो वास्तविक पक्ष मेरा गुरु नहीं है, जोर जबरदस्ती पिताजी ने भेजा तो हम ये पाठशाला में है, लेकिन मेरा असली गुरु तो है नारद जी महाराज। नारद जी महाराज असली गुरु है क्योंकि गर्भस्थ अवस्था में जो आप नारद जी वो जो बोला इंद्र महाराज पकड़ के ले जा रहा था कयाधु को और नारद जी महाराज चुड़ाया अपना आश्रम में लेके गया और आश्रम में जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या समाप्त करके वापस ना आए तब तक ये कयाधु ये ऋषिवर का आश्रम में थे। इस अवस्था में नारद जी से प्रार्थना की आप मेरा इच्छा प्रसव कर दो, जब तक मेरा स्वामी ना आ जाए तब तक प्रसव ना होए ऐसा आशीर्वाद मांगे। तो इसके द्वारा बहुत दिन तक ये नारद जी का आश्रम में रहे और नारद जी जो है क्या गर्भस्थ जो संतान है अनंत का अनुचर इसको सामने रखकर गर्भ में अनंत का अनुचर अब वो सब जो नारद जी महाराज जो शिक्षा दिया, नारद जी महाराज जितना सारे शिक्षा दिया ये सब शिक्षा गर्भस्थ जो प्रहलाद महाराज सारे सीख लिया, गर्भ में बैठा हुआ है सारे सीख लिया। लेकिन कयाधु जो है कयाधु स्त्री जाति और असुर खानदान में पैदा कयाधु, एक तो असुर कन्या दूसरे बाद राजोगुनी तमोगुनी उसके बाद ये इसका स्त्री जाति कमल बुद्धि कम बुद्धि वाले इसके द्वारा जो शिक्षा नारद जी महाराज दिए हैं ये नारद जी महाराज का शिक्षा जो है ये माता जी का कोई ध्यान नहीं सारे शिक्षा दिया और सब निकल गया। लेकिन प्रहलाद महाराज अनंत का अनुचर गर्भ में बैठे हुए हैं सारे इस शिक्षा को ग्रहण की। प्रहलाद महाराज सुते पिताजी ने बोला उत्तम शिक्षा बोलो और उत्तम शिक्षा बोलो संडो मर को तो मेरे को उत्तम शिक्षा नहीं दिया किंचित अधितम उत्तमम उत्तम शिक्षा बोलो। उत्तम मतलब उद्गत तमो यस्मात स उत्तम तम रजोगुण का स्पर्श भी नहीं है लेकिन ये संडो अमर को जो सिखाया है इसका अंदर तो तम रजोगुण तो है ही है। तो ऐसा करे गुरुजी का ये हमारा गुरुजी बोले गुरुर भवान गुरुजी का पास जो सीखा है तो मेरा गुरुजी तो नारद जी है नारद जी का पास जो सीखा है इसका बारे में फिर बोलना शुरू कर दिया। पहले तो बोला तत्साधु मन ने सुरोवर जो दे नाम ये सब बोला अभी जो बोला ये बड़ा सुनने के लाए नवविधा भक्ति के बारे में
प्रहलाद महाराज सीधा पिताजी को बता दिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्म निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति नवलक्षणा क्रिये तो भगवती अध्या तन्मन्ने अदितमुत्तमम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा। यदि अगर नौ किस्म का ये भक्ति जो है विष्णु चरण में हो जाए तो कहने क्या, क्रिये तो भगवती अध्या तन्मन्ने अदितमुत्तमम्। इसी शिक्षा को मैं उत्तम शिक्षा मानता हूं कि श्रवण कीर्तन स्मरण श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदन। नौ किस्म का नौविधा भक्ति का बारे में बताए। इस समय हिरण्यकश्यप और एकदम फायर हो गया, अरे फिर ये सब बोल रहा है विष्णु का बात भक्ति का बारे में। गुरुपुत्र को एकदम पूछे, निशम मैतत सुतो वचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्तम उबाचेदम रूसास पुरिता धरा। एकदम गुस्से में आकर लाल होकर बोला, ब्रह्म बंधु किम एतत्ते विपक्षम श्रेयता असता असारम ग्राहित बालो माम अनादित दुर्मते। आपको कितना बार माना किया विष्णु का बारे में शिक्षा मत दो, फिर वही शिक्षा दिया, क्यों दिया? असारम ग्राहितो वालो माम अनादितो दुर्मति। तुम लोग बदमाश हो, तुम्हारा बुद्धि खराब है, ऐसा करके जो गाली दिया गुरुपुत्र ने कांपना शुरू कर दिया है हिरण्यकशिपु। जिसका जे हिरण्यकशिपु ऐसा है जो थोड़ा अपना भुरु को टेढ़ा कर दे तो स्वर्गमत्त पताल एकदम डर के मारे भयभीत हो जाता। इसी हिरण्यकशिपु ने इतना गुस्से में आकर बोला तो गाली सुनकर गुरुपुत्र दे भयभीत हो गया बहुत। गुरुपुत्र दे बोले, देखो महाराज हम लोग नहीं सिखाया तो कहां से सिखा। गुरुपुत्र दे बोले, न मत प्रणीतम न परो प्रणीतम सुतो वदति ये स तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस राजन निजच्छमन्यु कददा स्म मानो। हम लोग को ऐसा उल्टा पलटा गाली मत दो राजन, हम लोग ये हमारा शिक्षा नहीं है। न मत प्रणीतम, हमारा द्वारा शिक्षा नहीं प्राप्त हुआ प्रहलाद मा, हमने ये शिक्षा कभी नहीं दिया। और न पढ़ो प्रणीतम, किसी दूसरा आदमी आके भी हमारा पाठशाला में ये पढ़ा के नहीं गया, क्योंकि पाठशाला जो है वो घेरा हुआ है, कोई बच्चा को बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। जितना सारे बच्चा रहता है कोई भी बाहर नहीं जाए, सो गेट बंद है। तो इसका ये जो हमारा पाठशाला है इसमें बाहर का कोई आदमी आके आपका पुत्र को ये सब सिखा के गया, ये भी हो ही नहीं सकता। न मत प्रणीतम न परो प्रणीतम, आपका जो लड़का जो बोल रहा है वही नैसर्गिकीयम मतिरस राजन, इसका जो मोती है बुद्धि हरि में विष्णु में लगा हुआ है, नैसर्गिक की जन्म से ही है, हम क्या करें, हम लोग क्या करें। आप क्रोध को संवरण करें राजन, हम लोग नहीं सिखाया। जब ऐसा बोला नारद बोले, गुरु नैवम प्रति प्रत्यो भूयो आहा सूर सुतम नोचत गुरी मुखियम ते कुतो अभद्रा सतीर्मती। गुरु नैवम प्रतिपक्तो भूयो आहा असुर सुतम, ये असुर बच्चा को पूछा, ए तेरा गुरु जो है बोल रहा है ये लोग शिक्षा नहीं दिया, तो अगर गुरु से शिक्षा नहीं प्राप्त किया कहां से प्राप्त किया, बोल कहां से। गुरु नैव प्रतिपक्तम भूयो आहा असुर सुतम नोचित गुरु मुखियम ते कुतो अभद्रा सतीर्मती, ऐसा अभद्र मोती दुष्ट मोती बुद्धि खराब कहां से हुआ, बोल कौन सिखाए। प्रहलाद महाराज ने अभी सुंदर बोलना शुरू कर दिया। प्रहलाद महाराज बोले, पिताजी आपका जो चिंता है अमूलक है,
आप चाहे जो बार बार ये शंका कर रहे हो, ये शंका का कोई बेसलेस, इसका कोई बेस नहीं है। ये शंका को छोड़ दो, क्योंकि मोतीर न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विबद्धे तो गृह व्रतानम आदान तो गोभीर विशतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनान। मोतीर न कृष्णे परतो सतो वा, विष्णु का चरण में मोती होना वही कोई स्वाभाविक बात नहीं है। विष्णु का, विष्णु भगवान का चरण में मोती होना ये कोई मामूली बात नहीं है। मोतीर न कृष्णे परतो सतो वा, प्रहलाद बोले मोतीर न कृष्णे परतो सतो वा, अपना इच्छा के द्वारा कोई दूसरा आदमी हमको सिखा दे, किसी भी हालत से गृहव्रत जो व्यक्ति है इन लोगों का जिंदगी में ये तत्व का कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई ट्रेस आउट इसका कोई विष्णु का जो तत्व ये आता ही नहीं, ये इतना गंभीर तत्व है। मोतीर न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपद्ये तो गृहव्रतानम औदान्त गोवीर विशतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित। ये गृह में जो व्यक्ति है संसार में जो सुख स्वाभाविक संसार में सुख तो है ही है, संसार में सुख नहीं है? संसार में अगर सुख नहीं होता ये लोग क्यों संसार कर रहे हैं? बोला महाराज संसार में सुख जो है, संसार ये संसार में सुख दिखता है, संसार में सुख दिखता है लेकिन वास्तव सुख नहीं है, ये वास्तव सुख नहीं है। वास्तव सुख का अगर स्वरूप मिल जाए तो ये सुख का पीछे नहीं दौड़ेगा। प्रहलाद महाराज इसलिए बोला बोल जन्म इतनाद गृह में दी सुखम हितुक्षम कंडय न करय रीव दुक्ष दुक्षम। प्रहलाद महाराज ने बताए ये जो संसार में पति पत्नी ऐसे रहते हैं, जो सुख है ये सुख कुछ नहीं है। एक व्यक्ति का हाथ में खुजली हुआ, बड़ा खुजली, डॉक्टर बोले एकदम हाथ मत लगाना, इसमें दवा कराया, पट्टी कराया, पट्टी कराई सब। आप सोते हुए खुजली हुआ, सोते हुए ऐसा करके खुजल कर। और सुबह में देखा फिर खून खून। प्रहलाद महाराज ऐसा उदाहरण दिया, उसका हाथ में खुजली हुआ भयंकर, डॉक्टर बोला बिल्कुल टच मत करो, इसमें एकदम स्पर्श पॉइजन हो जाए। तो सोया हुआ है, बहुत खुजली आया, खुजली से ऐसा ऐसा करते करने से सुबह में आपके फिर खून ही खून चारों। प्रहलाद महाराज ऐसा बताए कुंडयान करो रीव दुख दुक्षम, ये दुख ही दुख है, बाहर में सुख है, अंतर्दृष्टि लेके विचार करो इसका अंदर में दुख ही दुख है, कुछ नहीं है, कुछ असली चीज नहीं है। तो मोतीर्ण कृष्ण एक उदाहरण हम देते हैं, एक कुत्ता, वो एक तो कुत्ता कुछ खाना नहीं मिला, कल भी कुछ खाना नहीं मिला, आज भी कुछ खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, कोई खाना नहीं दिया। तो कुत्ता घूमते घूमते बड़ा कष्ट है, कुत्ता का ऐसा ही है, मिले तो खा लिया, नहीं मिले तो भूखा मरे। और उसको एक जगह हड्डी मिला, सूखा हड्डी, किसी ने किसी पशु मर गया होगा उसका सूखा हड्डी, उसको उठा के ले आए और एक पेड़ का नीचे बैठकर ऐसा बैठकर वो हड्डी को आई आई करके खा रहा है। वो सूखा हड्डी है, 6 महीना का पुराना, कुछ नहीं है वो बेचारा, वो क्या जाने बोका है। वो हड्डी को खा रहा है, हड्डी के अंदर कुछ नहीं है। और ऐसा ऐसा करते करते उसका खुद का जो ये जो है वो खत्म बिखत हो गया, हड्डी का जो चूखा इसने लग के पूरा खून निकालना शुरू कर दिया। वो कुत्ता ने सोचा क्या टेस्ट है, क्योंकि खून निकाल रहा है, उसका खुद का ही खून है, वो खा रहा है आई आई करके खा रहा है। वो सोचा कि इससे कितना टेस्ट आ रहा है, अभी टेस्ट तो इसमें नहीं है, उसका ये जो गाल है इसे एक जख्म हो गया, इससे खून निकल रहा है, उसको मालूम है कि ये बड़ा टेस्टफुल है, उसको खाना नहीं छोड़ रहा है, खा ही रहा है। ऐसा ही जो संसार का आदमी जो है, जो सुख क्या है नहीं है सब देख लिया, फिर भी वही सूखा हड्डी को चबाते चलो। ऐसा ही प्रहलाद महाराज में मोतीर न कृष्णे परतो सतोबा मिथो विपद्ये तो गृह प्रतानम औदान्त गोवीर, जिसका औदान्त मतलब जिसका इंद्रियो संयम नहीं है, औदान्त गोवीर विशतम तमिश्रम, और पुनः पुनः तमिश्रो
तमो नीचे नीचे तमोगुण में, तमो में अंधो तमो में कूद जाता, नीचे चला जाता है। विषताम तमिष्यम पुनः पुनः चर्बित चर्बिना, चर्बन हो गया उसका अंदर में कुछ नहीं है, छोड़ दो। आंखें को पिसाई करते 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 उसमें एक बूंद भी आंखें गन्ना से कोई रस नहीं निकालने वाला, फिर भी उसको पिसाई कर रहे, क्या होगा? प्रहलाद महाराज ने ऐसा सुंदर बताया, नौते विदु स्वार्थ गोतिम हि विष्णु दूरा सयाजे बहिरार्थमान अंधा यथान्धैरुपनीयमान स्तेयोऽपि सिचतान्तमुरुधाम निबाध्या। नौते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, बोले विष्णु का तत्व का क्या उपदेश करे ये लोग? आपको पहले को कौन उपदेश दिया, कौन उपदेश दिया हमको इस विषय में, कोई है? नौते विदु, ये लोग जानता ही नहीं, ये उपदेश क्या देगा? नौते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, तमाम दुनिया अनंत ब्रह्मांडों का जो वास्तव स्वार्थ है, स्वार्थ स्व अर्थ हो ऐसे स्वार्थ, इस शब्द के द्वारा आप सेल्फिश यही समझते हो, लेकिन इसको विभाग करके मीनिंग करो, सौ अर्थ स्वार्थ, सौ बोलने सौ बोल, सौ अगर शब्द को उच्चारण करो ये आत्मा को डिनोट करता है, आत्मा, आत्मा का जो अर्थ है ये आत्मा का अर्थ तो विष्णु ही है और कुछ नहीं है। इसे बोला नौते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, तमाम दुनिया का जो अल्टीमेट गोल जो है विष्णु है, ये लोग जानता ही ना, मूर्ख है सब, वो क्या उपदेश करे? जानता है तो उपदेश करे, जानता ही नहीं। नौते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दूरा सयाजे बहिरर्थ मानिम, ये लोग तो बहिरर्थ मानिम, बहिरर्थ मानिम मैंने इसका जो बुद्धि है मन है, बाहरी दुनिया का जितना सारे विषय है इस विषय में रमन करने वाले हैं, अंतर्दृष्टि नहीं है, समझा मेरा बात? जितना सारे बाहर में जितना सारे वस्तु है, ये सब वस्तुओं में इसका मन जो है, बुद्धि जो है रमन करने वाले, वो अंतर्दृष्टि तो है ही नहीं। अंतर्दृष्टि तो तब होता है जो आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान हो जब तक ना होए तब तक अंतर्दृष्टि बिल्कुल नहीं होता। जो भी कुछ देखे बाहरी चौकों में क्या है नहीं है, क्या हो रहा है, गलती हो रहा है, ऐसा देखे, अंतर्दृष्टि नहीं है। नौते विदुहु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दूरासया जो वही अर्थमान, ये अंतर अर्थ जो विष्णु है सब तमाम जगत का जो अल्टीमेट गोल जो स्वार्थ है विष्णु छोड़कर कुछ नहीं है, ये जानता ही नहीं, कहां से सिखा देगा? अंधा यथंधी रूपणीय मानम, एक अंधा अगर दूसरा अंधा को बोले चल हम तुम तेरे को ले जा रहा है कि जा सकेगा क्या? एक अंधा व्यक्ति दूसरा अंधा व्यक्ति को बोलो चल तेरे को मार्केट में ले जाए कि किसी जगह ले जाए, एक अंधा ये भी अंधा वो भी अंधा, कि कौन किसको ले जाए? कोई किसी को ले जाना नहीं सकेगा, संभव नहीं। लेकिन एक अंधा है एक अपाहिज है मतलब लंगड़ा है, वो हो सकता, अंधा लंगड़ा को ले लिया और अंधा चलते 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 और जो लंगड़ा है बोले डायना हो थोड़ा बाया मुड़ जाओ, ये बोल सकता, लेकिन दोनों ही अंधा तो कहाँ जाए? गुरु भी अंधा शिष्य भी अंधा, गुरु अंधा शिष्य भी अंधा, तो दोनों ही नरक भी जाए, शास्त्र में विचार है। अंधा यथंदे रूपणीय मान स्त्रियों पर सुचतन दमरुदम निबद्रा, माया का जो गांठ है बंधन इसके द्वारा उरुदम निबद्धा, उरु मतलब पुरु बड़ा शक्तिशाली उसका बंधन है, माया से निकाला नहीं वो लोग और कभी भी निकालेगा नहीं, कभी भी निकालेगा नहीं, कब निकालेगा, कब निकाले? बल्कि नौते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दूरा सयाजे वहिरार्थमान अंधा यथंद रूपणीय मानम ते चतंत मुरुदम निबद्ध नैशांग मतिस्ताव दूरो क्रमांघ्रि स्पृश्वात्तनर्थाप गमो यदर्थो मोही असाम पादरज ओविषेकम निष्किंचनानम न वृणीतो यावत् नैशांग मतिस्ताव दूरो क्रमांघ्रि स्पृश्वात्तनर्थाप गमो यदर्थो
मही असांग पद रजो विषेकम निष्किंचनानाम न वृणीतो जावत। जब तक परमहंस निष्किंचन गुरु वैष्णवो का जो तरण चरण धूली है चरण रज, इसके द्वारा जब तक मस्तक, इसके द्वारा जब स्नान परमहंस गुरु वैष्णव के चरण धूली, इसके द्वारा जब तक तुम्हारा स्नान ना हो जाए, स्नान करो धूली के द्वारा, तब तक किसी का बुद्धि भगवत चरण कमल स्पर्श नहीं कर सकता, भक्ति का विषय बता नहीं सकता, संभव नहीं। न ऐशांग मति स्थावत उरुक्रमांग स्पृशति, ये जड़ो मति जड़ो बुद्धि जड़ो मन जो है कभी भी भगवत चरण कमल को स्पर्श नहीं कर सकता। नई शांग मति स्थावत उरुक्रमांग स्पृशति जावत, जब तक उसका अंदर में अनर्थ है तब तक तो होगा ही नहीं। अनर्थ जाने, अनर्थ को हटाने के लिए हैं, अनर्थ को हटाने के लिए क्या है, स्पृशति अनर्थ अपगमो यदर्थ, अनर्थ को हटाने के लिए मही असांग पाद रजो अभिषेकम, महत व्यक्ति का चरण जो महापुरुष का चरण का रज, इसके द्वारा अभिषेक करा दो उसको। निष्किंचनानम न वृणीत, निष्किंचन महापुरुष जो है इनके चरण के द्वारा जब अभिषेक ना हो जाए, जब तक ना वृणीते, वृणीते मैंने वरण करते, वृणीते मतलब वरण कर, जब तक वरण ना कर ले चरण कमल को, तब तक इसका बुद्धि कभी शोधन नहीं हो सकता। ऐसा सुनने के बाद हिरण्यकशिपु ने एकदम क्रोध में आकर सबको बुला, ए कौन कौन कहा है, आजा मार इसको, मारना शुरू कर दे, काट इसको लड़का को। ये अभी लड़का जो है इसका ऊपर बड़ा क्रोध हुआ, लड़का को मार डालो, ये मेरा लड़का नहीं है, मेरा लड़का होता तो मेरा बात बोलता, विष्णु का बात बोल रहा है, मारो इसको, ले जाओ इसको। लेके सारे असुरों को बोले ले जाओ, कोई ने तरवाल लाया, किसी ने सूल लाया, छिंदी भिंदी इतिबादी नहा, मारो काटो, ऐसा बोलते बोलते आया, सूल लेके पुल्लात नाथ के ऐसा घुसा दे कि तरवाल लेके ऐसा मार दे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, तरवाल लगा दिया, तरवाल तरवाल निकाल के चला गया प्रहलाद महाराज, कुछ नहीं, सूल लगा दिया, ऐसा करके सूल लगा दिया प्रहलाद महाराज, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, हिरण्यकशिपु बड़ा घबरा गया, अरे सूल मार दिया, सूल के द्वारा कुछ नहीं हो रहा बच्चा का, अरे राम राम राम, क्या हालत है, कोई कुछ विशेष बात होगा। बड़ा चिंतित हो गया प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद महाराज का जो शास्ति है ये नहीं हो रहा है, क्या किया जाए, बड़ा कोशिश किया हुआ नहीं। इसके बाद क्या कि ये बच्चा को छोड़ दिया बोलो, और ये जो है ये जो गुरु पुत्र जो है बोले राजन आप क्यों गुस्सा में आके सब कर रहे हो, ये बच्चा है 5 साल का, 5 साल का बच्चा का कोई बुद्धि होता है, कुछ भी बोल दे, क्या है छोड़ दो, इसमें आप गुस्सा में आकर बड़ा टेंशन लेते हो, इतना चिंतित हो जाए, छोड़ दो। बोल के ये प्रहलाद महाराज को फिर से ये गुरु पुत्र जो है उठा के लेके गया, बोले चल उसको लेके गया। अब उधर जाके जो पाठशाला में जितना सारे बच्चा लोग है, ये बच्चा लोग जो है जब गुरु पुत्र बाहर में काम के लिए जाए, वो सारे बच्चा लोगों को लेके प्रहलाद महाराज बैठ जाए प्रवचन करने के लिए, बैठ गया। वो जितना सारे असुर बालक है, असुर बालक सब बोल रहे प्रहलाद तुम्हारा सिक्का कहां से हुआ, हमारा तुम्हारा गुरु तो एक ही है, यहां तो ये सब सुंदर बातें शिक्षा नहीं दिया जाता, तुम्हारा सिक्का कहां से हुआ। प्रहलाद महाराज अभी ये लोगों को शिक्षा देने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा सुंदर ये उपदेश है, प्रहलाद महाराज का उपदेश है। प्रहलाद महाराज काल हम चर्चा करेंगे, आरती का टाइम हो गया तुम्हारा, आरती करो, ऐसे ही परेशान हो, जितना सारे आज अन्नकूट आदि हुआ सब, तो काल जो है प्रहलाद महाराज बच्चा लोगों को क्या उपदेश दिया है इस विषय में, काल सुबह में उपदेश हुआ है ये सब विषय। नैशांग मति स्थावदूरु क्रमांगिं स्पृश्वात्तनर्थापगमो यदर्थो मोहि असंपाद रजो विषेकम निष्किंचनानम न वृणीतो यावद् वांछा कल्पतरुषे के बासिंदे पतितानां पावनं भवेष्णवभ्यो नमो।